This conference will now be recorded. ओके गाइस, जैसा कि आप सब जानते हो, मेरा नाम आकाश पांडे है और आज का जो हमारा टॉपिक है ये बीआईएम स्किल्स से रिलेटेड है। ठीक है, मैं फाउंडर और सीईओ यूनिक ग्रुप ऑफ कंपनी का और साथ ही साथ मैं बीआईएम पे जॉब भी करता हूँ और मल्टीपल मतलब स्ट्रक्चर और बीआईएम में मेरी स्पेशलिस्ट है। जिस जो मैं काम करता हूँ मैक्सिमम वो करता हूँ स्ट्रक्चर और बीआईएम में। सो जो भी मेरा नॉलेज है इस पे सबसे ज्यादा है, ठीक है, दूसरे सेक्टर्स के कंपेयर में। तो दोस्तों, बीआईएम अभी इतना मार्केट में बूम क्यों कर रहा है, सबसे पहले समझने की जरूरत है। इतना मार्केट में बीआईएम बूम क्यों कर रहा है, इतना ज्यादा क्यों फोकस हो रहा है बीआईएम? जहां देख रहे हो आप, हर एक साइट पर बीआईएम इंजीनियर की जॉब निकल रही है, बीआईएम मॉड्यूलर की जॉब निकल रही है, ऐसा हो क्यों रहा है? ठीक है, इसका सबसे बेस कॉन्सेप्ट हम बहुत प्रैक्टिकल लेवल पर सीखेंगे। इसका बेस रीजन क्या है कि इतना ज्यादा बीआईएम हाईलाइट हो रहा है कंपेयर टू दूसरी प्रोफाइल्स, तो उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि आज के टाइम में हर कोई बहुत ही प्रैक्टिकल हो चुका है, हर एक इंसान प्रैक्टिकल हो चुका है। जैसे अभी मैं कुछ दिन पहले आइसक्रीम खाने के लिए गया था। क्या खाने के लिए गया था? आइसक्रीम खाने के लिए गया था। आप बोलोगे सर आइसक्रीम बीआईएम से क्या रिलेटेड है? तो मैं जब आइसक्रीम खाने गया था तो वहां पे उसने वेनिला दिखाया, पता नहीं कौन कौन सी अलग अलग ब्रांड दिखाए उसने, तो मैं कंफ्यूज हो गया क्योंकि वो जो आइसक्रीम थी वो लगभग 150 की थी जीएसटी मिला के। तो मैं कंफ्यूज हो गया खाऊं कौन सी। तो फिर मैंने उसको बोला कि कौन सी खाऊं यार, कौन सी अच्छी है? तो बोलता सर सैंपल टेस्ट कर लीजिए, व्हिच वन इज यू लाइक यू कैन जस्ट ऑर्डर दैट आइसक्रीम। मैं कहा यार सही बात बोल रही है। तो मैंने सारे सैंपल्स ले लिए, पेट तो वहीं पे भर गया था, लेकिन सारे सैंपल्स लेके हमने क्या चेक कर लिया, हमने चेक कर लिया कि व्हिच वन इज गुड, कौन सा अच्छा है। और फिर उसके बाद हमने उस पे 150 रुपीज, हम दो लोग थे तो 300 रुपीज स्पेंड करने से पहले हमने उस पर चेक कर लिया, हमें जो पसंद आई हमने वही खाया। इसे हमने क्या सीखा? इसे हमने ये सीखा कि आज के टाइम में अब जो भी कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करेगा, इफ समवन वांट टू स्टार्ट देयर प्रोजेक्ट्स, तो पहले वो उस प्रोजेक्ट को चेक करना चाहेगा कि इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड वो अपने नॉलेज को गेन करना चाहेगा पहले। भाई सपोज मैं एक बिल्डिंग बनाने जा रहा हूँ, ठीक है, एंड दैट बिल्डिंग प्रोजेक्ट कॉस्ट इज 10 crore, कितना है? 10 crore रुपए, ठीक है जी। और सपोज हमने उसकी हर एक एंगल से चेकिंग नहीं की, हर एक एंगल सेंस के वेंटिलेशन से चेकिंग नहीं की, हमने उसका एनर्जी सोर्स ऑफ एनर्जी से चेकिंग नहीं की, उसका एक्सटीरियर मॉडलिंग लुक से उसकी टेस्टिंग नहीं की, इन्वायरमेंट फ्रेंडली है कि नहीं है इसकी टेस्टिंग नहीं की, जीरो एनर्जी बिल्डिंग्स कॉन्सेप्ट पे अप्रूव्ड है कि नहीं है चेक किया कि नहीं किया, ये सब कुछ अगर नहीं किया। और सपोज अभी एक बिल्डिंग है यहाँ पर, एक करवे नगर एक जगह है, आप पुणे वाले लोगों को पता होगा करवे नगर एक जगह है, मैं वहां पर गया था। तो वहां पर एक फ्लोर ऐसा है, मतलब कि एक बिल्डिंग का एक कॉर्नर ऐसा है जहां पर सनलाइट नहीं आती है। क्या नहीं आता है? सनलाइट नहीं आता है। और उसकी वजह से वो पूरे फ्लोर पे केवल 2 फ्लैट बिके हुए हैं, बाकी सारे फ्लैट वैसे के वैसे ही बने रखे हुए। इसे हम क्या सीख सकते हैं? अगर उस एक फ्लैट का कॉस्ट करवे नगर में है तो कम से कम 50 lakh तो मिनिमम होगा, ठीक है। अगर उनके 10 फ्लैट नहीं बिकते हैं पूरे बिल्डिंग में, 10 फ्लैट अगर नहीं बिकते हैं तो कितने का लॉस हुआ? 5 crore का लॉस हुआ। कितने का? 5 crore रुपए का लॉस हो गया सिर्फ एक छोटे से प्रॉब्लम से। क्या? वेंटिलेशन का इशू हमने चेक नहीं किया था बिल्डिंग बनाते टाइम, और हमने फटाफट स्टार्ट कर दिया उस बिल्डिंग को बनाते। तो क्या हो गया? इंसान प्रैक्टिकल हो गया है। अब वो कहता है कि भाई 10 lakh रुपए अगर लग रहे हैं और हमें ये पता चल जाएगा कि हमारे बिल्डिंग में इन फ्यूचर कोई इशू तो नहीं है रिलेटेड टू वेंटिलेशन, रिलेटेड टू प्रोजेक्ट टाइम, रिलेटेड टू लाइक कॉन्सेप्ट की कैसा दिखेगा, रिलेटेड टू गुड मतलब सॉरी रिलेटेड टू एस्थेटिक व्यू। अगर हमको पता चल जाए कि ये सारी चीजों के रिलेटेड कोई प्रॉब्लम तो नहीं है पहले से पता चल जाए, तो 10 lakh रुपए देना कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। समझ रहे हैं आप? 10 lakh रुपए दे दिया भाई, 10 crore रुपए बच रहे हैं हमारे, ठीक है। और अगर वही 10 lakh नहीं लगाया तो हमारा इशू भी हो सकता है। इसलिए हर कोई अभी बीआईएम को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहा है। इवन कई ऐसी स्टेट्स हैं जो कि कंपलसरी कर चुकी है कि भाई बीआईएम करना ही है, बीआईएम मॉडलिंग करवा लिया तो पता चल जाएगा कि भाई कुछ इशू तो नहीं है, ठीक है। अभी आपको पता होगा रेरा का रूल आ गया है। रेरा का क्या रूल है? जो भी डेट ऑफ पोजिशन है, जिस दिन आपको अपना प्रोजेक्ट सबमिट करना है, उससे जितने दिन लेट करेंगे, उतना आपको हर एक जितने भी लोग आपके यहाँ रजिस्टर करवा रखेंगे अपने बिल्डिंग के लिए, उनको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, आपको ब्याज देना पड़ेगा।
अब सोचिए कि अगर आपने 10 सॉरी 10 तो 10 लोग क्या 100 लोगों को फ्लैट अगर आपने बेच दिया है, ठीक है, और आपने बोला था कि 1 जनवरी 2021 को मैं प्रोजेक्ट आपको इन हैंड कर दूंगा, मतलब पोजीशन दे दूंगा आपको, और आपका बाद में पता चल रहा है कि दिसंबर 2021 में आप दे पाओगे, ठीक है, तो अब क्या हुआ, आप कितने 11 महीने का इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा 100 लोगों को। आप सोचिए कहाँ जा रहा है पूरा कॉस्ट, आपके बिल्डिंग पे तो इफेक्ट कर रहा है, बट उससे पहले अगर हमने चेक कर लिया होता कि कब तक मैं बना के दे देंगे विद द हेल्प ऑफ बीआईएम कॉन्सेप्ट, तो क्या होता, वो लॉस नहीं होता, हमारे पैसे का लॉस नहीं होता उस चीज से रिलेटेड। साउंड इको हो रही है? ओके ओके ओके, जस्ट अ मिनट, मैं एक दूसरा ईयर फोन लगाता हूँ गाइस, हो सकता है कुछ इशू को। सुशांत अभी देखना अभी आवाज कैसे है, मैंने ईयरफोन चेंज कर दिया है, फिर आप बता दोगे तभी मैं आगे कंटिन्यू करूंगा। इज इट ओके राइट नाउ? ओके ओके, थैंक यू थैंक यू। वो एक्चुअली मैंने किसी ने बोला आवाज कम आ रही है, तो मैंने वो जो रिकॉर्डिंग वाला माइक होता है जो लाइक बाहर माइक रिकॉर्डिंग करते हैं वो लगा दिया था, तो उसमें इको वगैरह सब होता है। चलिए कोई बात नहीं, तो ये कॉन्सेप्ट होता है कि हमने पहले से चेक कर लिया हमें कितना टाइम लगेगा। अब यहाँ पर एक इमेज आप देख रहे हैं, अब यहाँ से स्टार्ट करता हूँ मैं। सोचिए कि अगर हमने सबसे पहले क्या किया, प्रोग्रामिंग किया, ठीक है, अब हमने ये देखा कि भाई हमें बनाना क्या है, ठीक है, मतलब किस तरह की बिल्डिंग बनानी, हो सकता है पब्लिक बिल्डिंग हो सकता है कॉमर्शियल बिल्डिंग हो सकता है रेसिडेंशियल, तो कुछ हमने सोचा। सोचने के बाद हमने सोचा कि कुछ बनेगा कुछ इस तरीके से, फिर हमने उसकी डिटेलिंग की, डिटेलिंग करने के बाद हमने उसकी एनालिसिस कर ली, कोई लफड़ा तो नहीं होगा उसमें, कोई बीम कॉलम फेल तो नहीं करेगा, तो इसीलिए मैं बोलता हूँ स्ट्रक्चर क्या है, बीआईएम का ही एक पार्ट है ये, देखिए यहाँ पे एनालिसिस हो रही है। फिर उसका डॉक्यूमेंट कर लिया कि कब तक में बन जाएगा, कितना कॉस्ट लग जाएगा। कभी कभी होता है क्या है कि हमने प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दिया, बीच में पैसे ही खत्म हो गए, प्रोजेक्ट आपका कहीं का नहीं रह गया, तो उस चीज को भी आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ता है। फिर फेब्रिकेशन करते टाइम क्या क्या इश्यूज आ सकते हैं, कितना टाइम लग सकता है, ठीक है, क्या हम ऑन टाइम दे पाएंगे, ठीक है, कंस्ट्रक्शन लॉजिस्टिक के अकॉर्डिंग हमने चेक कर लिया। फिर हमने देखा कि जब बिल्डिंग बन जाएगी कोई इशू तो नहीं होगा रिलेटेड टू एनवायरनमेंट, रिलेटेड टू वेंटिलेशन, रिलेटेड टू सनलाइट, कोई इशू तो नहीं होगा। और फिर उसके बाद रिनोवेशन के लिए भी अगर हमको कोई फिर से करना पड़े, कुछ प्रॉब्लम हुई, तो फिर उस चीज को भी हमको करने में कोई इशू तो नहीं जाएगा। चलिए अभी मैक्सिमम लोग हम लोग के साथ जुड़ चुके हैं, तो अब एक बार थोड़ा सा मैं बता दूं, प्लीज टेक वीडियो। ओके हाँ जी, मैं वीडियो को YouTube पे जरूर डालूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पब्लिक आ गई है, सभी लोग आ गए हैं, इसलिए मैं बता दूं, बीच बीच में माइक मत ऑन करिएगा, मैं आपको माइक ऑन करने का टाइम दूंगा लाइक आफ्टर दिस सेशन, और प्लीज जाइएगा मत, क्योंकि कुछ लोग होंगे जो थोड़े से ना लाइक आए देखा क्या चल रहा है चलो चलते हैं, इंटरटेनमेंट हो गया, अगर ये इंटरटेनमेंट होगा तब तो मैं यूट्यूब पर नहीं डालूंगा, ठीक है, क्योंकि मुझे सीरियस रहना, एजुकेशन में सीरियस रहना पसंद है, ठीक है, तो इसलिए आप लोग को 1 घंटे या आधे घंटे जो भी लगेगा उसमें रहना है, अगर आप रहोगे तो डेफिनेटली मैं इसको यूट्यूब पर डाल दूंगा, ठीक है, और सारी चीजों को समझना पहले, नहीं तो क्या होता है कि अधूरा नॉलेज बुरा होता है। एक बार ऐसे हुआ था कि एक टीचर थे, उन्होंने 4 लड़कों को के आंख पर पट्टी बांध दिया, और पट्टी बांधने के बाद उनको बोला कि जाओ बाहर, उन्होंने लाइफ में कभी हाथी नहीं देखा था, उन बच्चों ने उनको बोला कि जाओ हाथी देख के आओ, तो उनके आंख में पट्टी था, तो वो लोग गए, तो कोई हाथी का पैर पकड़ा, कोई हाथी का पूंछ, कोई हाथी का सूंड, कोई हाथी का पेट, तो अब एक से पूछा गया कि हाथी कैसा होता है, उसने कहा एक लंबा सा जैसे कि कॉलम होता है कुछ उसी तरीके से हाथी होता है। किसी से पूछा गया, दूसरे से पूछा गया हाथी कैसे होता, तो उसने बोला कुछ ऐसा होता है जैसे वाटर टैंक हो, इस तरीके का टैंक होता है, क्योंकि सारे सिविल इंजीनियर थे, कुछ वाटर टैंक जैसा। किसी से पूछा गया तुमको कैसा लगा हाथी, तो उसने बोला कुछ पाइप लाइन के, तो उसने सूंड पकड़ा था, तो कहते हैं कुछ पाइप लाइन जैसा होता था। तो किसी ने हाथी का सही स्वरूप नहीं बताया, उसका रीजन क्या था, उसका रीजन यह था कि अधूरा नॉलेज, सो प्लीज पूरा नॉलेज लेने की कोशिश करना गाइस, थैंक यू। तो कुछ इस तरीके से आपका पूरा कॉन्सेप्ट होता है बीआईएम का। चलिए एक एक करके देखते हैं, व्हाट इज बीआईएम। The focus is shifting from traditional 2D ways to a practical. माइक को प्लीज बंद कर दीजिएगा सब लोग, दूसरे को डिस्टर्ब होगा आपके माइक ऑन करने से, ठीक है। The focus is shifting from traditional 2D ways. माइक बंद करो भाई, प्लीज डोंट ऑन योर माइक, ध्यान से सब लोग अपना माइक म्यूट रखेंगे।
The focus is shifting from traditional 2D ways to a practical reality with respect to functional, economical, energy, etc. अभी तक क्या होता था, हम लोग ऑटोकैड पे प्लानिंग करते थे, फिर एग्जीक्यूट होने के लिए दे देते थे, बट अभी टाइम बदल रहा है, ठीक है, आप 2G से 3G और 4G मोबाइल चलाने लगे, तो इसी तरीके से बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में भी ग्रोथ हो रहा है। अभी क्या होता है, अभी हम लोग फंक्शनल कैसा वर्क होगा, कितना कॉस्ट लगेगा, एनर्जी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, वो एनर्जी एमईपी से रिलेटेड हो सकती है, सनलाइट से रिलेटेड हो सकती है, ये सारा कुछ चेक करना है किसके अंदर आता है, बिहेवियर कॉन्सेप्ट के अंदर। ऑल डिसिप्लिन इन्वॉल्व विद अ प्रोजेक्ट कैन शेयर अ सिंगल डाटाबेस बीआईएम मॉडल। अभी तक क्या था, अभी तक हम ड्राफ्टिंग की फाइल किसी को भेज देते थे, वो क्या करता था, किसी एक सॉफ्टवेयर के ऊपर दूसरा काम करता था, फिर वो फाइल ही गायब हो जाती थी, कभी वो फाइल मिली कभी नहीं मिली। अब चेंज हो चुका है, अब क्या है, अब एक रैबिट की फाइल बनती है, उसी रैबिट आर्किटेक्चर की फाइल से हम इंपोर्ट कर देते हैं, रैबिट स्ट्रक्चर में चली जाती है, फिर वही फाइल रैबिट एमईपी में चली जाती है, वही फाइल स्केचर में चली जाती है, वही फाइल नेविसवर्क में चली जाती है, सब कुछ इंटरकनेक्टेड हो गए हैं। तो भाई एक बार हमने प्लानिंग कर ली, बाकी सारा काम ऑटोमेटिक हो गया, ये आपका बीआईएम कॉन्सेप्ट से फायदा होता है, बीआईएम मॉडल से। आर्किटेक्चर, स्ट्रक्चर, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इंफ्रास्ट्रक्चर में थोड़ा फास्ट बोलता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी आपको। और इलेक्ट्रिकल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कंस्ट्रक्शन आर टाइड टुगेदर एंड चैलेंज टू कोऑर्डिनेट देम इन प्रेडिक्टिवली पॉसिबल। क्या होता था पहले, पहले लोगों को मैसेज कन्वे में करने में बड़ा इशू होता था। मैं खुद भी जब स्टार्टिंग में 2016-2015 में जॉब कर रहा था, तो जब हम कोई प्रोजेक्ट करते थे तो मैं रेविट वाले को फोन करता था कि भाई मैंने ऑटोकैड में ड्राफ्टिंग कर दी है, आपको कोई प्रॉब्लम आएगी तो मेल करना। अब वो भाई साहब मुझे मेल करते थे, अब वो जब मुझे मेल करते थे तो मुझे मेल एक दिन दो दिन बाद करते थे, और मैं भी रिप्लाई उनको एक दो दिन के बाद, मतलब 5-6 दिन के बाद पता चलता था प्रॉब्लम कहाँ पर है, छोटे छोटे टूल के लिए। बट अभी क्या है, अभी लोग इजिली कोऑर्डिनेट कर सकते हैं क्योंकि एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं विद हेल्प ऑफ वन फाइल, दैट इज बीआईएम मॉडल। एनर्जी एनालिसिस कैन बी डन एट अर्ली स्टेज ऑफ डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बिकमिंग मोर प्रेडिक्टेबल। सीधी सीधी बात है, जब हम लोग को सारी चीज का आइडिया लग गया, मान लीजिए आपकी मैरिज हो रही है, ठीक है, आपको आइडिया लग गया कि किस चीज में कितना खर्चा लगेगा, ठीक है, तो अब क्या होगा कि अगर हमको ये पता चल गया कि किस चीज में कितना खर्चा लगेगा, तो उसी हिसाब से हम अपनी चीजों को मैनेज कर लेंगे ना। पता चला हमें कॉन्सेप्ट ही नहीं है, पता ही नहीं है कि एग्जैक्टली कितना खर्चा आएगा, लोग ज्यादा आ गए, हम परेशान हो गए, हमारे इंसल्ट हो गए कि हमारे पास खाना ही नहीं है, एक्चुअल में पैसा था, कॉस्ट था, बट हमने प्रॉपर उसको मेंटेन नहीं किया था कि कब कितनी चीजें लगने वाली है, तो वो चीज यहाँ पर फायदेमंद हो जाती है। बैंक से लोन हमारा कब तक आ जाएगा, अच्छा ठीक है, तो 2020 में पैसा आ जाएगा 10 करोड़ रुपए, ओके गुड, तो अच्छी बात है, बैंक से अगर लोन आ जाएगा तो हमारे लिए हेल्पफुल हो जाएगा। ये सारी चीज यहाँ पर हम प्रेडिक्टिवली चेक कर लेते हैं, और हमारे लोग जो रजिस्ट्रेशन करवाए हैं फ्लैट खरीदने के लिए, वो कब तक पैसे दे देंगे, वो भी हमें आइडिया लग जाता है। चलिए, क्या क्या बेनिफिट्स हैं बीआईएम की, बीआईएम के बेनिफिट्स क्या क्या हैं। सबसे मेन बेनिफिट जो है वो है एक्यूरेसी, जैसा कि मैंने बोला, जितना जरूरत उतना ही पैसे इकट्ठा करना है, जितना जरूरत उतना ही लोन लेना है। पता चला आपने 2 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा लोन ले लिया है, उसका इशू क्या होगा भाई, उसका इंटरेस्ट लगता है, फ्री में नहीं देगा ना बैंक, तो 2 करोड़ का जो इंटरेस्ट लग रहा है क्या मतलब है, अगर हमको एक्यूरेसी पता है उसकी, हम उतना ही लोन लेंगे जितने लोन की नीड होगी। तो दूसरी चीज, टाइम सेविंग टेक्निक्स, हमको ये पता चल जाता है कि वॉल का कंस्ट्रक्शन करने में कितना टाइम लगेगा, कॉलम का कंस्ट्रक्शन करने में कितना टाइम, हमको ये पता चल जाता है कि एमएपी का डक्टिंग का वर्क करने में कितना टाइम। तो भाई हमने टाइम सेव किया है, और आज के टाइम में जब हम लोग घर खरीदने जाते हैं ना, तो आप कभी घर खरीदने जाओ तो आप देखोगे तो कि नया बिल्डिंग बन रहा है, लेकिन आप पूछोगे उससे कि भाई कब तक हमें पोजीशन दे दोगे, अगर उसने बोला कि भाई 1 साल के अंदर दे देंगे, आप एज ए क्लाइंट तुरंत बुक कर दोगे, उसी के बगल में एक और मैं बिल्डिंग बना रहा हूँ और मैंने बोल दिया कि मैं 3 साल के बाद दूंगा, मेरी बिल्डिंग बहुत खतरनाक बनने वाली है, बहुत अच्छी बनने वाली है, खतरनाक मतलब अच्छी। आप 1 साल वाले को प्रीफर करोगे, 3 साल वाले को नहीं प्रीफर करोगे, रीजन हर कोई चाहता है भाई जल्दी से, क्योंकि घर तभी खरीदेगा जब उसकी जरूरत है, अब जरूरत भूख आज लगी है, खाना कल मिल रहा है, तो लोग प्रीफर नहीं करते, इसलिए टाइम सेविंग टेक्निक मिल जाती है बीआईएम से। कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशंस, अभी कभी कई 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 चीजों को अगर हम मैनेज नहीं करते ना, तो कभी कभी आपके महीने का जो खर्च होता है वो आप देखो, कुछ लोग तो बड़े अच्छे से मैनेज करते हैं, उनका 10,000-5,000 रुपए में हो जाता है कुछ फिक्स अमाउंट में, कुछ लोग चलो आज पार्टी कर लिया, चलो ये कर लिया वो कर लिया, खर्चे उनके ज्यादा हो जाते हैं। लेकिन अगर आप
एक्चुअल कॉन्सेप्चुअल इंसान है, तो आप कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशंस पे काम कर सकते हैं कि भाई इस चीज का जो मटेरियल है ये मटेरियल हम यहाँ से मंगाएंगे, ठीक है। अच्छा वो बंदा जो है वो होलसेलर है, और राजस्थान से अगर हम टाइल्स मंगवाते हैं तो हमें हाफ रेट पे टाइल्स मिल जाएगी, तो क्या हो रहा है, कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन हो रहा है क्या? हाँ जी, तो इस चीज का फायदा होता है। फालतू में आप देखते होंगे टाइल्स का, ब्रिक का, सीमेंट का वेस्टेज नहीं जा रहा, तो इस चीज को हम यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। हाँ जी, या आदित्य बोल रहे हैं कि आपको सर इसका रिकॉर्डिंग, सर मैं इसको पूरा रिकॉर्डिंग भी दे दूंगा और क्या बोलते हैं ये पीडीएम भी दे दूंगा, बस एक चीज आपको करना है कि जब तक ये चलेगा सेशन बीच में टाइम पास करके जाना नहीं है किसी को, तो मुझे अच्छा नहीं लगता। इजी इंफॉर्मेशन एक्सचेंज क्या होता है कि अब एक ही बंदा है, मान लो मैं बीआई मैनेजर हूँ, ठीक है, और बीआई मैनेजर कैसे बनता है, जो रेविट आर्किटेक्चर भी जानता है, रेविट स्ट्रक्चर भी जानता है, रेविट एमईपी भी जानता है, तो मैं बीआईएम मैनेजर हूँ और हम में से तीन लोग जुड़े हुए हैं, मतलब इसमें अब्दुल, मान लीजिए अब्दुल रेविट आर्किटेक्चर इंजीनियर है, मतलब रेविट मॉड्यूलर है, और रेविट स्ट्रक्चर पे काम कर रहे हैं अभिषेक, और अदनान कर रहे हैं रेविट एमईपी पे। अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इन तीनों की फाइलें एक्सेस कर सकता हूँ ना, तो इजी इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज, जिनको जो चाहिए मैं फटाफट देता चला जाऊंगा, मेरा टाइम सेव होगा, ठीक है। 3D प्रिंटिंग मॉकअप्स, हम प्रॉपर देख पा रहे हैं एग्जैक्टली कैसा कैसा चीजें बनी हुई है, कोई इश्यू तो नहीं है, हमें प्रॉपर दिख रहा है, ठीक है। 2D में आप देखते होंगे कभी कभी ड्रॉइंग पढ़ते ही आप सिर पर हाथ रख लेते हो, यार ये क्या है, क्या बात है, इतना डेंजर ड्रॉइंग पढ़ ही नहीं, समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, कभी कभी गलत ही पढ़ लेते हैं, तो वो ना हो उसके लिए हम लोग यहाँ पर 3D प्रिंटिंग का हेल्प ले लेते हैं। सिमुलेशन, सिमुलेशन मतलब मर्ज कर देते हैं चीजों, ठीक है, मर्ज करके हमने प्रॉपर देख लिया कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। इन्वेंट्री एंड एसेट मैनेजमेंट, की कब क्या कितना कॉस्ट लगने वाला है, ये सब कुछ बेनिफिट्स इसके अंदर है जो कि रेविस्वर के अंदर कर सकते हो। इसके टाइम BMS इंटीग्रेशंस, ठीक है, ये क्या बोलते हैं, आप जब लाइटिंग करते हो MEP के अंदर, उसके अंदर ये पोर्शन आता है कि हम हर चीज को कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं, कहाँ पर कितनी लाइट, कहाँ पर क्या चीजें देनी, वो सारी चीजें। बिल्डिंग ऑपरेशन मैनेजमेंट, ये सब कुछ ही, कब कितना किसको पैसे देना है, कब कितना किसको सैलरी देना है, एनर्जी का कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, मतलब देखो क्या होता है, कोई भी बिल्डिंग जब बनती है तो उसमें हमेशा मैं बोलता हूँ पांच चीजें बहुत मैटर करती है। सबसे पहली चीज उसकी प्लानिंग, ठीक है, अगर प्लानिंग अच्छी नहीं है तो सब बेकार है, तो ऑपरेशन के अंदर उसकी प्लानिंग आ गई। दूसरा उसकी स्ट्रेंथ, अगर आप बॉडी बनाए हो, ताकत ही नहीं है, तो आपकी बॉडी बेकार है, स्टेरॉइड वाली बॉडी जो होती बेकार होती है ना, तो आपका पहला चीज प्लानिंग अच्छी होनी चाहिए, दूसरी चीज स्ट्रेंथ, और तीसरी चीज सर्विसबिलिटी। बॉडी मैंने बना लिया है और अगर मैं डंबल नहीं उठा पा रहा हूँ, अगर मैं किसी की हेल्प नहीं कर पा रहा हूँ, तो क्या है, मैं क्या कर पा रहा हूँ, सर्विसबिलिटी दे ही नहीं पा रहा हूँ, बॉडी बनाने का मतलब लोगों की हेल्प कर सकूं, ठीक है, तो वो चीज मैं नहीं कर पा रहा हूँ क्या, तो तीसरी चीज होती है सर्विसबिलिटी। ध्यान से देखिए, कोई भी बिल्डिंग बनाना है पांच चीजों को ध्यान दीजिए, पहली चीज प्लानिंग, दूसरी चीज स्ट्रेंथ, तीसरी चीज सर्विसबिलिटी। बाथरूम मैंने बहुत अच्छा बनाया मान लो, लेकिन बाथरूम का साइज रख दिया 2 फीट बाई 10 फीट, किस काम का है, सर्विस तो दे ही नहीं पा रहा है वो। और चौथी चीज होती है ड्यूरेबिलिटी, ठीक है, अगर हम लॉन्ग लाइफ के लिए कोई चीज नहीं बना पा रहे, भैया मत बनाओ फिर, क्यों, 10 करोड़ लगा के अगर मुझे 10 दिन के लिए रहना है तो फिर तो मैं बेवकूफ हूँ, मैं तो होटल रेंट पे ले लूंगा इससे अच्छा, ठीक है, तो ड्यूरेबिलिटी होनी चाहिए हर एक स्ट्रक्चर में। और पांचवी चीज, सबको पता है कि अच्छा पैसा डालने पर अच्छी चीज मिल जाती है, सबको आइडिया है, बट सही इकोनॉमी पे अगर सही काम करके दे रहे हैं वो ज्यादा बेहतर होता है, ठीक है जी, तो इकोनॉमी का आपको फोकस करना पड़ेगा, इकोनॉमी क्या होता है। ओके ओके, सबके क्वेश्चंस मैं बाद में लूंगा एक एक करके, चलिए मैं क्या बोलते हैं अभी इसको आपको बता देता हूँ। रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स जो बीआईए में काम करते हैं, किस पे किस पे करते हैं, रेसिडेंशियल बिल्डिंग पे, सर्विस प्लानिंग पे, क्लास बी मॉडलिंग पे, स्ट्रक्चरल मॉडलिंग पे, ऑफिस स्पेस इंटीरियर, सब में बीआईएम का काम होता है, ठीक है। अगर कोई रेसिडेंशियल बिल्डिंग है वहां पे बीआईएम की जरूरत पड़ेगी, सर्विस प्लानिंग एंड मॉडलिंग है तो उसके पे भी पड़ेगा, क्लास बी, क्लास मतलब होता है आगे दिखाऊंगा, क्लास मतलब कोई चीज टकरा रहा है, कोई इशू होगा इन फ्यूचर उसको बोलेंगे, अभी दिखाता हूँ इमेज में, स्ट्रक्चरल मॉडलिंग, ऑफिस स्पेस इंटीरियर्स, कॉमर्शियल स्पेस इंटीरियर्स। देखिए जो टाइम पास करने आए थे वो लोग जाना स्टार्ट कर दिए, क्योंकि उनको पढ़ने से मतलब नहीं, इसी ऐसे लोग भी मुझे गुस्सा आता है, उनको पढ़ने से मतलब नहीं है, सिर्फ पीपी किया निकल गए, फिर ऐसे लोगों को पढ़ाने का मन नहीं करता। रेसिडेंशियल इंटीरियर्स, रेसिडेंशियल एक्सटीरियर और बिल्डिंग एक्सटीरियर, इतने चीजों पे बीआईएम का प्रोजेक्ट होता है, ठीक है जी। तो अगर आप अपना ऑफिस खोल रहे हो तो आप इतने प्रोजेक्ट में से कोई भी प्रोजेक्ट अगर कर रहे हो तो उसके लिए आपको ये हेल्पफुल हो सकता है, ठीक है, बीआईएम सीखना। रेसिडेंशियल ये है, अब देखिए इसमें सब कुछ हमें पता चल जा रहा है, 3D विजुलाइज कर पा रहे हो आप कि कैसा दिखेगा, आप BOQ बिल ऑफ क्वांटिटी,
इसमें निकाल सकते हो आप, इस BIM में निकाल सकते हो विद्थ ऑफ रेबिट की ब्रिक कितनी लगेगी, सीमेंट कितना लगेगा, सैंड कितना लगेगा, और रेलिंग्स कितनी के लिए, स्टील की क्वांटिटी कितनी लगेगी, एवरीथिंग यू कैन फाइंड इसमें। टेंडरिंग का फॉर्म पर आप देख सकते हो कि एग्जैक्टली क्या क्या लगेगा। डॉक्यूमेंट तैयार कर सकते हो बैंक के लिए कि भाई इतना इतना में लोन लगने वाला है, वो सारा कुछ हम यहाँ तैयार कर सकते हैं। रेसिडेंशियल बिल्डिंग पे यहाँ पर 3D विजुअलाइजेशन देख सकते हैं। एनर्जी एनालिसिस, कितना सनलाइट आ रही है, देखो यहाँ पर सनलाइट आ रही है कि नहीं, क्योंकि सनलाइट बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। तो सनलाइट अगर आ रही है तो हमें पता चलता है कि ओके ठीक, हमारी बिल्डिंग सही तरीके से यहाँ पर वर्क करेगी। स्ट्रक्चर की डिटेलिंग कर सकते हो, कॉलम में रेनफोर्समेंट कितना लगेगा, बीम में रेनफोर्समेंट, स्टील में रेनफोर्समेंट, BOQ, बिल ऑफ क्वांटिटीज, और प्रीफेब्रिकेशन। प्रीफेब्रिकेशन मतलब एग्जैक्टली कैसे कैसे स्टेप से कंस्ट्रक्शन होने वाला है, वो सारी चीजें इसके अंदर हम लोग देखते हैं। सर्विस प्लानिंग क्या होती है, अभी पीछे गया ना, सर्विस प्लानिंग पे भी काम करते हैं। तो ये देखिए आप MEP करना, डक्टिंग हो रही है, देखिए डक्ट है, इसको डक्ट बोलते हैं, ये फायर फाइटिंग की लाइन है, और ये सब सर्विस प्रोवाइड करती है कंपनियां, बहुत बड़े लेवल पे इनमें प्रॉफिट होता है। ठीक है, तो ये सब के लिए 3D विजुलाइज कर सकते हो आप। देखिए नीचे अभी बना नहीं है, ये सिर्फ रेविट सॉफ्टवेयर में आप कर रहे हो, MEP है। क्लास बी पॉइंट का मतलब होता है, देखिए यहाँ पर क्लैसिंग हो रही होगी, आगे है क्लैसिंग, जैसे मान लीजिए ये आ रहा है, यहाँ पर एक बीम अगर आ गया तो क्या होगा, डक्ट क्लैश कर जाएगा ना, बीम से टकरा जाएगा, तो वो चीज चेक कर सकते हो। सोल्यूशंस क्या कर सकते हो उसके लिए, क्या आप डक्ट को नीचे ले जा सकते हो, उठा सकते हो क्या, प्रीफैब्रिकेशन कैसा बनेगा ये देखिए। अब सोचिए अगर आपके पास रैबिट नहीं है, या फिर आप BIM का नॉलेज नहीं है, तो आप तो ऐसे पाइपलाइन डिजाइन कर दोगे ऐसे, बट क्या आप बीम में होल करोगे, बीम की स्ट्रेंथ तो गई, फिर कहते ना गई भैंस पानी में, कुछ उसी तरीके से हो जाएगा, भी पाइप यहाँ से क्रॉस नहीं कर पाएगा। ये देखिए यहाँ पर इशू हो गया, एयर पास ही नहीं होगा, आपका कूलिंग आएगा ही नहीं, आपके ठंड होगा ही नहीं कमरा आपका। तो ये सारी चीजें हम लोग यहाँ, आप देखिए 1.5 मीटर पे ये पाइप लगा दिया, भाई इंसान की हाइट हो जाती है 1.5 मीटर, सीट पे टकराएगा बार बार, हो सकता है कहीं पे अगर फट गया तो फिर बवाली है। ये सारी चीजें हम लोग इसके अंदर चेक कर सकते हैं। ये भी आप सारे कुछ स्टील के मेंबर्स बना के देख सकते हो कि कैसा बनेगा, कनेक्शन कौन सा देना है, फुटिंग इसको बोलते हैं कॉलम स्प्लाइस, सॉफ्ट ड्राइंग बना सकते हो, डिटेल ड्राइंग बना सकते हो, BIM मॉडल बना सकते हो। मैं सोचा था डीप GA ड्राइंग मतलब जनरल अरेंजमेंट ड्राइंग्स, मैं थोड़ा डीप में जाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए प्लीज मुझे समय दीजिएगा, नहीं तो फिर डीप में नहीं जा पाऊंगा ना। 3D विजुअलाइजेशन, ऑफिस इंटीरियर बना रहे हो आप लोग, तो अब ऑफिस का जो इंटीरियर होता है उसको बनाने के लिए, अभी कभी कभी होता है क्या कि अब ये जो ऑफिस का इंटीरियर लोग चाहते हैं ना, जैसे मैं खुद भी, मैंने अभी अपना एक ऑफिस डिजाइन किया हुआ है अपने यहाँ पर घर पे, लेकिन अभी मैं एक सोच रहा हूँ एक अच्छा सा ऑफिस डिजाइन करूँ। अब अगर मैं अच्छा सा रिप्रेजेंटेशन तैयार करूँ और अच्छा सा मॉडल तैयार करके तब मैं उसका इंटीरियर करवाऊँ, तो डेफिनेटली वो बेटर इंटीरियर होगा। लेकिन अगर उसी की जगह पे मैं इंटीरियर डिजाइनर को बोल दूं कि भाई तुम तो अपने हिसाब से ऐसे लगा दो, चेयर यहाँ लगा दो, यहाँ टेबल लगा दो, मजा नहीं आएगा। अब देखिए कितना प्यारा ऑफिस है, अब इसमें मीटिंग करने का भी मजा कुछ और है, एनर्जी कुछ और डेवलप हो जाएगी मीटिंग करने की, यहाँ पर काम करने में लोगों को मजा आएगा। तो ये क्या हो रहा है, इसके लिए भी आप BIM की हेल्प ले सकते हो। अब सबसे इम्पोर्टेंट जिसपे इस समय मार्केट में सबसे ज्यादा जॉब है वो है LOD, लेवल ऑफ डेवलपमेंट। यही BIM का बैकबोन है, ये क्या है, BIM का बैकबोन है। अब लोगों को पता नहीं चलता है कि यार ये है क्या, LOD है क्या, तो इसके बारे में चलिए बात करते हैं अच्छे लेवल पे। आप सुनते होंगे कि हेलो, HR आपको कॉल करती होंगी कि हेलो सर यू नो LOD 300, आप बोलते हो सर ये क्या है LOD 300, मुझे बहुत से कॉल आते हैं ऐसे। तो LOD 300 तक लोगों को जनरली जॉब लगती है जो बिगनर्स होते हैं। अब आपको पता ही नहीं कि LOD क्या होता है, आता है चीजें बट आप बोल नहीं पाते हो, क्यों, क्योंकि LOD नहीं पता आपको, लेवल ऑफ डेवलपमेंट तो आज पता चल जाएगा भाई। चलिए सबसे पहले क्या होता है, LOD जो डिवाइड हुआ है वो LOD 500 तक, वैसे तो अभी LOD 800 तक आ रहा है बट अभी जो प्रैक्टिकली यूज हो रहा है वो LOD 500 तक। क्या होता है LOD, LOD 100, लेवल ऑफ डेवलपमेंट 100। सपोज आप में से कोई एक इंसान है जो कि ऑनर है, क्या है, किसी कंपनी का ऑनर है। ठीक है, अब किसको ऑनर बनाऊं, चलो किसको बनाता हूँ, आशीष को बना देता हूँ ऑनर। ठीक है, सपोज ऑनर है आशीष। ठीक है, अब आशीष ने सोचा कि मैं प्रोजेक्ट करवाता हूँ, तो आशीष में सपोज मेरे कंपनी को मतलब यूनिक सिविल कंस्ट्रक्शन कंपनी को, अपना ही प्रचार कर लेता हूँ बीच में, तो यूनिक सिविल कंस्ट्रक्शन कंपनी को अगर इन्होंने हेल्प किया, ठीक है, इन्होंने प्रोजेक्ट देने की सोचा, मेरे पास आए, मैंने कहा अच्छा ठीक है,
मैंने जस्ट थोड़ा सा थॉट लिया और आर्किटेक्ट को कांटेक्ट किया। मैंने कहा भाई कुछ ऐसा बनाना है कि इस तरीके से बिल्डिंग हो, इतने लोग रहेंगे इसके अंदर, ऐसा ऐसा कुछ सोचना है आपको। आर्किटेक्ट ने कहा ठीक है सर, सोचना स्टार्ट करते हैं। तो हम NOD 100 में सिर्फ और सिर्फ सोचा गया कि कैसा कैसा बनाया जा सकता है। फिर क्या हुआ, LOD 200 आर्किटेक्ट ने क्या किया, अब इंजीनियर से टॉक करते समय इंजीनियर को भी बताया, स्ट्रक्चर टर्म्स बताया, और खुद भी एक सिस्टमेटिक डिजाइन ऑटोकैड के अंदर ड्रॉ किया। अब 2D ऑटोकैड के साथ रेविट पे भी ड्रॉ कर सकते हो। तो एक सिस्टमेटिक डिजाइन ड्रॉ किया कि भाई ऐसा ऐसा यहाँ पर रूम रखेंगे, वास्तु के अकॉर्डिंग यहाँ पर किचन रखेंगे, रेरा के रूल्स के अकॉर्डिंग लिफ्ट और स्टेयरकेस। अब देखो ये सारी चीजें ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज नहीं समझते लोग। अब रेरा का रूल क्या बोलता है, आपका स्टेयरकेस और जो लिफ्ट है दोनों एक दूसरे के सामने होने चाहिए। कैसे होने चाहिए, एक दूसरे के सामने होने चाहिए। अब आपको पता ही नहीं है सामने होगा तो बिल्डिंग अप्रूव ही नहीं होगी, अप्रूव नहीं होगा तो बनेगा क्या, बाबा जी का रूल। तो इसलिए सिस्टमेटिक डिजाइन करना कंपलसरी है। किचन कौन से फेस में होना चाहिए, नहीं तो लोग खरीदेंगे ही नहीं। लोग आएंगे कहेंगे यार इसमें तो कुछ दम ही नहीं है, आपने वास्तु को ध्यान ही नहीं दिया है, खरीदेंगे ही नहीं, आपका बिकेगा नहीं। सिस्टमेटिक डिजाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर बहुत गहरा लेक्चर हो सकता है। इसके बाद डिजाइन डेवलपमेंट, लुक के बिना आज के टाइम में आप कितने भी क्या बोलते हैं अच्छे कपड़े पहन लो, लेकिन अगर आपका पेट एकदम बाहर निकला हुआ है, ठीक है, बैक टू पवेलियन जा रहा है, तो लोग कहेंगे यार एक बंदा अच्छा नहीं है। कितना भी अच्छा आपने कौन सा अच्छे अच्छे घूसी उसी कौन से कंपनी का कपड़ा पहन लिया, बट बॉडी मेंटेन नहीं है, तो लोग आपको यही कहेंगे बंदा अच्छा नहीं है, मतलब बाय लुक। तो डिजाइन डेवलपमेंट मतलब मॉडलिंग ऐसी करो कि सामने वाला देख के ही बोल रहे कितना लोगे तुम। ठीक है, अभी पुणे के अंदर मैं देखता हूँ 3 करोड़ रुपए में भी फ्लैट बिक रहे हैं, 2 BHK 3 करोड़ बिक रहे हैं, और कई 2 करोड़ 2 BHK कई ढेर सारे हैं जो कि 50 लाख में भी नहीं खरीद रहे हैं लोग। उसका रीजन क्या है, सिर्फ और सिर्फ डेवलपमेंट की मॉडलिंग, कैसी मॉडलिंग कर दिया, जैसी मॉडलिंग वैसा रिजल्ट। तो इस चीज को ध्यान देना, डिजाइन डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज कॉल्ड LOD 300। तो जो HR आपको कॉल करती है वो यही बोलती है, उसको भी नहीं पता होता है कि LOD को कैसे एक्सप्लेन करूं। जॉब डिस्क्रिप्शन में लिखा रहता है, वो फोन करके आपको बोल देती है, आप बोलते हो नहीं मुझे नहीं आता, इसलिए CV शॉर्टलिस्ट नहीं होती। तो ये LOD 300 है। इसके बाद LOD 350, अगर आप डॉक्यूमेंट नहीं तैयार करोगे कि भाई कितना पैसा लग जाएगा, क्या आपको क्या क्या मटेरियल लगेगा, ये सारी चीजों का आइडिया नहीं लगाओगे तो इसको कैसे कंस्ट्रक्ट करोगे। ठीक है जी, इसके लिए आप कंस्ट्रक्शन कंपनियों के रेट लेते हो, उनके जो भी अगर एग्जीबिशन किसी और से करवा रहे तो आपकी कंपनी है तो कितना कॉस्ट आएगा, उसके लिए मटेरियल क्या क्या लगेगा, वो सारा कुछ LOD 350 के अंदर डिस्कस किया जाता है। इसके बाद LOD 400, इसके अंदर कंस्ट्रक्शन स्टेज कब कितना बन जाएगा। ठीक है, मॉडल तो हमें पता है कि ऐसा बनेगा, बट जनवरी में कितना बनेगा, फरवरी में कितना बनेगा, दिसंबर तक में क्या हम पोजेशन दे सकते हैं क्या, इसको देख के पता चल जाएगा। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड कंस्ट्रक्शन स्टेज, इसके लिए नेविस वर्क यूज करते हैं। इसके बाद होता है लास्ट, दैट इज एज बिल्ड, बन के कैसा दिखेगा। देखो तो बन के अगर दिख गया, क्योंकि देखो क्या होता है कि हम और आप तो इंजीनियर है, हमें पता है कि कैसा बन के दिखने वाला है, बट क्लाइंट को नहीं पता है ना, तो क्लाइंट क्या करेगा, उसको विजुलाइज चाहिए, विजुलाइजेशन चाहिए कि भाई हमें बन के हमारा सपनों का महल कैसा दिखेगा। सपोज मैं इंजीनियर नहीं हूं अगर, और मेरे पास बहुत पैसा है, ठीक है, तो मैं एक इंजीनियर को बुलाऊंगा, यही बोलूंगा भाई अगर तुमको 100 करोड़ रुपए चाहिए तो ले लो, लेकिन मुझे ऐसी चीज बना के दिखाना कि मतलब मेरा दिल खुश हो जाए। अब 100 करोड़ लगाते टाइम मैं बहुत सोचूंगा ना, लेकिन अगर उसने मुझे दिखा दिया कि आपके सपनों का जो महल है वो ऐसा बनेगा कुछ, मैं लगा दूंगा अगर मेरे पास पैसे होंगे तो। 100 करोड़ है नहीं यार, लेकिन अगर होगा तो मैं लगा दूंगा, राइट, क्योंकि मेरे पास है और मेरा ड्रीम कंप्लीट हो रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट है एज बिल्ड। तो कई कंपनियां LOD 500 तक, जैसे कि ये अगर औरंगाबाद से कोई इसमें से था, औरंगाबाद में कंपनी है जो आप जानते होंगे, दैट इज क्या नाम उसका, अरे अभी उसने पुणे में भी एक ऑफिस खोला हुआ है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, सेल्वियो, सेल्वियो है, वो LOD 500 तक काम करती है। पुणे में भी कई कंपनियां हैं जैसे स्टू इंजीनियर्स है, PCMP कॉस्ट है, ये सब LOD 500 तक काम करने लगी है। बहुत सी कंपनियां है, मिलसॉफ्ट है, ब्लैक एंड बीच है। ठीक है, तो अब चलिए थोड़ा इनको भी फिर समझ लेते हैं, किताबी लैंग्वेज में क्या होती है। कॉन्सेप्ट डिजाइन का मतलब एरिया पता कर लो, हमें आप इसको पढ़ लेना, ठीक है, इतना मैं समझता हूँ कि हम लोग पढ़ लेंगे, इंजीनियर है ना हम लोग। तो एरिया क्या क्या है, एरिया कितना है, हाइट कितना है, समझ रहे ना, बनाना है कुछ तो, रोलिंग कितना है, लोकेशन कितना है, ओरिएंटेशन किधर फेसिंग रखना है उसका, रोड किधर से क्रॉस होगी, ये सब कुछ कॉन्सेप्ट डिजाइन में बात करते करते डिस्कस कर लेना है,
अपने जो भी कांटेक्ट दे रहा है उससे और जो कांटेक्ट ले रहा है उसके ये बीच की कन्वर्सेशन है कि भाई क्या क्या कैसे कैसे रखने वाले हैं। अब सिस्टमेटिक डिजाइन में हम जब बात करेंगे तो हम अप्रोक्सीमेट क्वांटिटीज क्या कितना लग सकता है भाई, अप्रोक्स क्या मतलब इतना पैसा पर्याप्त है, इतना मटेरियल पर्याप्त है, साइज क्या रखेंगे रूम्स का, शेप कैसा रखेंगे, लोकेशन कहाँ का है, क्यों, लोकेशन से ट्रांसपोर्टेशन मैटर करता है ना। अब अगर आपका लोकेशन जो है मुंबई है, आपको भी मैं इसी चीज में दिखाने वाला लास्ट में कि आपका जो इंडिया में कई लोकेशन है वहां पर सैलरी अलग अलग है, तो आपको पता चलेगा लास्ट ग्रुप में तब क्या पता चलेगा कि कौन से जगह पे कितना ज्यादा पैसा का अलग अलग डिफरेंस है, सैलरी का डिफरेंस, इसका मैंने सर्वे यहाँ पर निकाल के रखा हुआ है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि लोकेशन क्या है, लोकेशन के अकॉर्डिंग मुझे इंजीनियर हायर करना पड़ेगा तो उसको उतना पैसा देना पड़ेगा उस लोकेशन के अकॉर्डिंग, उस लोकेशन के अकॉर्डिंग अगर बिल्ड होगा तो ट्रांसपोर्टेशन चार्ज चेंज होगा, ओरिएंटेशन, जियोमेट्रिक इंफॉर्मेशन, भाई पहाड़ पे तो नहीं बनाना, पहाड़ को तो नहीं तोड़ के बनाना, ये सारी चीजें यहाँ पर डिस्कस होती है सिस्टमेटिक डिजाइन में। डिटेल में स्पेसिफिक असेंबलीज कैसे कैसे एग्जैक्टली बनेगी, क्वांटिटी क्या लगेगी, शेप, साइज, लोकेशन, ओरिएंटेशन, नॉन जियोमेट्रिक इंफॉर्मेशन, मतलब केवल मॉडल नहीं, मॉडल के अगल बगल की चीजों को भी डिस्कस करना, दैट इज LOD 300। समझ में आया होगा आपको। इसके बाद है कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट डिजाइन क्या है, कंस्ट्रक्शन स्टेज, कंस्ट्रक्शन डॉक्यूमेंटेशन, मतलब डिटेल एलिमेंट्स क्या क्या लग रहे हैं, कैसे कैसे लग रहे हैं, वो सारी चीजें। इसके बाद फैब्रिकेशन एंड असेंबलीज, असेंबलीज में क्या होता है, LOD 400 में नेविस वर्क यूज करते हैं, उसमें कंप्लीट फैब्रिकेशन कैसा बनेगा, असेंबली, डिटेल इंफॉर्मेशन, क्वांटिटी, साइज, शेप, क्या सब कुछ आ जा रहा है। देखो ये सब जुड़ते चलते हैं, ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए, इंटरकनेक्टेड है। इसके बाद एज बिल्ड, इसमें एक्चुअल में शेप, लोकेशन, इंसान दिखा दिया थोड़ा बैठा उठा के, भाई देखो ऐसे ऐसे बन के दिखेगा, थोड़ा सा फील आएगा लोगों को, ठीक है। चलिए ये है थोड़ा सा उसका एग्जाम्पल, LOD 100 में सिर्फ डिस्कस किया था एरिया वरिया, 200 में हमने कहा अच्छा कुछ इस तरीके से बन जाएगा, 300 में हमने कहा अच्छा मॉडल कुछ इस तरीके से दे दो, क्लाइंट अट्रैक्ट होगा, ठीक है। और यहाँ पर LOD सॉरी 0 था, ये 100 है, 200, 300, 400 में एग्जैक्टली एनर्जी का सोर्स क्या है, सोलर वोलर लगा रहे हो क्या, कहाँ से वेंटिलेशन मिलेगा, कितना बिल्डिंग बाय लॉ के अकॉर्डिंग यहाँ पर फ्रंट छोड़ देना चाहिए, ये सारी चीजें यहाँ पर मिल जाती है हमें। चलिए एक इमेज सब कुछ बता देगा, इस इमेज का नाम यही है, क्या है इस इमेज का नाम, यही है, वो है ये, जब कोई काम करते रहो इतने फोन आते, इतने फोन आते। अच्छा कुछ लोग इतने जिद्दी होते हैं, एक के बाद दो, दो के बाद तीन, खैर जो 6-7 बार कर चुके हैं कोई बंदा है, ठीक है। तो यहाँ पर 3D शेप है, डायमेंशन ऑफ BIM, इसमें क्या क्या चीजें होती है, 3D शेप मतलब 3D, 4D, 5D, 60, 7D, इसको थोड़ा एक एक वर्ड में एक्सप्लेन करता हूँ। 3D में क्या होता है, हम एग्जैक्ट इमेजिन कर लेते हैं कैसा बनेगा, ठीक है। 4D में शेड्यूलिंग कर लेते हैं, कितना कब पैसा लगेगा, कितना कब पैसा लगेगा हमको, दिसंबर तक में कितना लगेगा, जनवरी में कितना लग जाएगा, फेब में कितना लग जाएगा, वो यहाँ पर कर लेते हैं। और सॉरी यहाँ पर, सॉरी यहाँ थोड़ा सा गलत कर दिया, 4D शेड्यूलिंग में क्या होता है, टाइम के अकॉर्डिंग कितना कितना बन जाएगा, मतलब कि जनवरी में कितना बन जाएगा, फरवरी में कितना बन जाएगा, नेविस वर्क में चेक कर लेते हैं। ये 5D में चेक करेंगे कब कितना कॉस्ट की जरूरत पड़ेगी, कब कितना कॉस्ट की जरूरत पड़ेगी। सस्टेनेबिलिटी, वहां पर पॉसिबल है लोगों का रहना, क्या सनलाइट आएगी, क्या ठंडी के दिनों में वहां पर एकदम ठंड तो नहीं होगा, या गर्मी के दिनों में बहुत ज्यादा धूप, वहां टेम्परेचर तो नहीं होगा वहां पर, ये सारी चीजें वहां पर पॉसिबल है क्या। और उसके बाद सारी फैसिलिटीज ओके है क्या, मैनेजमेंट का एक इंसान है ना, अभी सपोज आपने बनवा लिया तो आप चेक करोगे ना भाई सब कुछ सही है क्या, तो वो सारी चीजें यहाँ पर 70 में करते हैं, जो कि आपको हायर पोजीशन पे मिलेगी चीजें। थैंक यू सो मच गाइस, आप लोग जा नहीं रहे हो, काफी अच्छे इंसान हो इसीलिए नहीं जा रहे हो, बाकी लोग तो गए, तो इसीलिए ना मैं ज्यादा मतलब नहीं आता हूँ यूट्यूब पे, रीजन यही है कि लोग उसका वैल्यू नहीं समझते चीजों का। 3D में जैसे मैंने बताया आपको मॉडल, तो मॉडल यहाँ पर क्रिएट करते हैं, ठीक है, डिजाइनर, कॉन्ट्रेक्टर और ये सारी चीजें इसमें मिल जाती है। 40 में मैंने आपको बता दिया अभी एक एक वर्ड में, टाइम पे फोकस किया जाता है, पढ़ लेना थोड़ा सा। 5D में कॉस्टिंग पे फोकस किया जाता है, इसमें सस्टेनेबिलिटी पे फोकस किया जाता है, एनर्जी लॉस और अचीव कितना करेंगी, और बिल्डिंग के अंदर कितना एयर चाहिए, डक्टिंग करते हैं ना या वो जो MEP करते हैं ना, कितना एनर्जी चाहिए, आजकल मेरे BIM वाली जो बैच चल रही है उसमें यही टॉपिक है, कितना एनर्जी आ रहा है, कितना CO2 बाहर निकालना पड़ेगा, तो कितना आपका अंदर आ रहा है, कितना बाहर जा रहा है, ये सारी चीज कैलकुलेशन यहाँ पर कर लेते हैं। फैसिलिटी मैनेजमेंट सब कुछ सही है, वारंटी सही है कि नहीं,
है। हाँ जी यूट्यूब शेयर कर देना। हाँ जी यूट्यूब पे शेयर करूंगा सर। इक्विपमेंट इसीलिए तो जल्दी जल्दी पड़ा हूँ क्योंकि यूट्यूब पे ऑलरेडी देने वाला हूँ। वारंटी का डिटेल देना पड़ता है कि भाई कितने समय तक ये खराब नहीं होगा आपका डक्टिंग, कितने समय तक आपका मॉडल खराब नहीं होगा, ये सारी चीजों का फोकस यहाँ पर होता है। ये देख लो समझ में आ जाएगा। ये रेविट भी कुछ लोगों ने बनाया भी होगा। प्लान करो, 3D करो, सामने दिख रहा है। ऑटो कैड ड्राइंग पे आपने फोकस किया, अभी ऑटो कैड पे चाहो बनाओ, चाहो तो आप सीधे रेविट पे बना सकते हो या फिर ऑटो कैड की फाइल को रेविट पे इम्पोर्ट कर लो। इसके बाद 3D मॉडल, यहाँ पर आपका 3D मॉडल आ जाता है। इसके बाद 2D 3D, ये सामने आपके देख लो रिजल्ट। अब जो मैं करा रहा हूँ इन सारे कॉन्सेप्ट को लेके, क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत से लोग होंगे जो BIMT ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे होंगे अलग अलग जगहों पर, मेरा थोड़ा अलग क्या है, क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ ना अलग करूंगा नहीं तो नहीं, तो वाई अवर ट्रेनिंग इज यूनिक। अब थोड़ा सा मैं ट्रेनिंग के बारे में बताऊंगा। तो सबसे बड़ी चीज है प्रैक्टिकल अप्रोच। ठीक है अभी आपके क्वेश्चन के आंसर मैं देता हूँ एक एक करके, पहले एक बार समझा दूं पूरा। हमारा जो भी है चीजें, मैं अपना क्लास लेता हूँ या जो भी चीजें करता हूँ, सब कुछ प्रैक्टिकली होता है। अभी भी जो समझाया मैंने सब कुछ प्रैक्टिकल अप्रोच में सिखाया है। कोई चीज में किताब से पढ़ के तो आपको सिखाने वाला नहीं, और नहीं मेरे पास किताब पढ़ने का टाइम है। और हमने जो काम किया मैं वही चीजें आपको ट्रेनिंग में समझाता हूँ। मेरे सारे ओल्ड स्टूडेंट जिसमें ज्वाइन है तुमको पता है। उसके साथ जो मैं सिखाता हूँ मैं प्रैक्टिकली बताता हूँ कि बिल्डिंग बाय लॉ कैसे फॉलो किया जाता है। लोगों ने पढ़ रखा है समझ नहीं आ रहा कि मार्जिन क्यों और कहाँ छोड़ना चाहिए। अच्छा ठीक है, आपको अगर बनाना है सेफ्टी टैंक बनाना है उसका साइज क्या रखना है, ठीक है रूम बनाना है रूम का साइज क्या रखना है, किचन की हाइट कितनी रखनी है, फ्लोर की हाइट कितनी रखनी है, कॉमर्शियल बिल्डिंग और रेसिडेंशियल बिल्डिंग में डिफरेंस क्या है। डिफरेंस क्या सिर्फ इतना है कि उसमें दुकान रखी जाती है इसमें रहना रहा जाता है, नहीं भाई बहुत बड़ा डिफरेंस है उसके अंदर। ये क्या होते हैं, कौन से स्टेट में कैसे फॉलो होता है बिल्डिंग बाय लॉ, वो सारी चीजें इसके अंदर हम लोग देखते हैं। तो ये मेरे ट्रेनिंग में इंक्लूड है प्रैक्टिकल अप्रोच और बिल्डिंग बाय लॉ। रेरा का रूल्स बहुत ही खतरनाक तरीके से हम लोग फॉलो करते हैं। रेरा का रूल में क्या क्या चीजें हैं, कौन कौन से स्टेज में रेरा का रूल्स फॉलो हुआ जाता है, BIM की स्ट्रेटजीज क्या क्या है, कैसे कैसे प्लानिंग की जाती है, भाई फॉलो कैसे करना है, इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, उस पर हम लोग डिस्कशन करते हैं। कुछ ऑटोमेटिक प्लगइन्स हैं जो कि आपके काम को बड़े आसानी से कर देते हैं, आपको पता ही नहीं कि कौन कौन से प्लगइन होते हैं, तो हम लोग उन प्लगइन्स के बारे में यहाँ पर डिस्कस करते हैं। इस्टीमेशन रेविट से कैसे निकालते हैं, BVS कैसे रेविट से निकालते हैं, ये सारी चीजें हम लोग। सिलेबस तो जो है आपको अलग है, उसके अलावा जो मैंने सिलेबस में मेंशन ही नहीं किया वो सारी चीजें ये हैं जो हम लोग इस BIM की ट्रेनिंग में, जो 4 मंथ का ट्रेनिंग है इसमें हम लोग इसको इंक्लूड कर रहे हैं। मैं इसको इसलिए मेंशन नहीं करता क्योंकि लोग सोचते हैं क्या है ये, फिर मुझे मैसेज करके बोलते सर ये क्या है, सर ये क्या है, बेटर कि मैं उसको मेंशन ही नहीं करता। तो इसमें मैं दिखा दिया प्रैक्टिकल अप्रोच अप्रोच ऑफ फॉर डक्टिंग। अब लोग डक्टिंग तो लगाते हैं, लोगों ने देख लिया कि यूट्यूब पर ऐसे ऐसे लगाते हैं डक्टिंग, बट एक्चुअल में डक्टिंग में क्लैशिंग ना हो, एक्चुअल में डक्टिंग में क्या क्या इश्यूज आते हैं, एयर कहाँ बन जाता है, हेड लॉस कहाँ होता है, ये सारी चीजें तब आप करोगे जब आपने कभी किया और डक्टिंग, ठीक है। तो वो सारी चीजें यहाँ पर प्रैक्टिकल अप्रोच के अकॉर्डिंग में MEP का काम करता हूँ। इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स हमारा सारा रहता है, ये अभी भी जो कर रहा हूँ, ये जो मंसूर यहाँ पर मैसेज किए, ये भी स्ट्रेटजी लेक्चर में, तो जो मेरे प्रोजेक्ट्स हैं मैं उसी पर काम करता हूँ। पोर्टफोलियो हम बनवाते हैं आपसे कि कैसे आप खुद को अलग कर पाओ, तो उसके लिए पोर्टफोलियो तैयार करते हैं। रिज्यूम एंड कवर लेटर्स कैसे, एक्चुअल में आपको मतलब बहुत से लोगों को पता ही नहीं कैसे कवर लेटर या कैसे रिज्यूम बनाना चाहिए, और फिर वो बोलते हैं कि यार मेरा CV शॉर्टलिस्ट क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि इंडस्ट्री को जो कवर लेटर चाहिए जो रिज्यूम चाहिए वो आपके पास नहीं है, तो उसका क्या स्टैंडर्ड होता है वो हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। इंटरव्यू में मैं ये 100% बोल सकता हूँ कि BIM मेरे से जिसने 4 मंथ्स कंप्लीट किया वो इंटरव्यू देगा और BIM का इंटरव्यू होगा तो क्रैक ना करे ऐसा हो ही नहीं सकता। क्यों, क्योंकि मेरे जितने स्टूडेंट जाते हैं इंटरव्यू को, पहले मैं उनको फोन करता हूँ, भाई तुमसे क्या पूछा गया था, मैं उनसे फोन करके वो लिख लेता हूँ, और खुद भी मैं कॉल करके इंटरव्यू देता रहता हूँ बाई टेलीफोन, तो मुझे पता रहता है कि क्या क्या चीजें पूछ रहे हैं, तो उस पर मैं आपको फोकस कर देता हूँ कि भाई ये चीजें पूछी जाएंगी। साथ ही साथ केवल जरूरी नहीं कि आप जॉब करो, कई लोग होंगे जो जॉब के साथ एक्स्ट्रा अर्निंग बना रहे होंगे, जैसे मैं खुद, तो उसके लिए एंटरप्रेन्योरशिप के लिए कैसे ये हेल्पफुल हो सकता है आपके लिए BIM, वो मैं यहाँ पर आपको समझाता हूँ। बहुत बड़े लेवल पे कैसे क्लाइंट को अट्रैक्ट करना है, कैसे आर्किटेक्ट को मनाना है अपने बात के लिए, वो सारी चीजें इसके अंदर आती है। उसके अलावा डीप कॉन्सेप्ट ऑफ 2D 3D 4D 5D, ये एक स्लाइड में खत्म नहीं होता, ये एक एक चीज के लिए अलग अलग स्लाइड है ये। तो डीप कॉन्सेप्ट क्या होता है एग्जैक्टली, ये तो इंट्रोडक्शन लेक्चर है इसलिए बस इतना ही है, बट एक्चुअल में क्या होता है इसके अंदर वो सारी चीजें हम लोग समझते हैं। अब ये था अपना कोर्स कंटेंट, दैट्स इट।
आप समझते हैं कि बीआईएम का जो मार्केट है वो कैसा मार्केट है, क्योंकि लोगों को ये पता नहीं रहता बीआईएम में जॉब कैसी कैसी मिल सकती है। तो जॉब का बीआईएम्स में सबसे ज्यादा, जैसे यहाँ पे लिखा मोस्ट इन डिमांड जॉब प्रोफाइल इन बिल्डिंग फॉर्म मॉल्डिंग, सबसे ज्यादा जो जॉब मिल रही है वो बीआईएम टेक्नीशियन की मिल रही है। किसकी मिल रही है? बीआईएम टेक्नीशियन की, जो कि मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल प्लम्बिंग कर सकता है विद द हेल्प ऑफ एमईपी। ठीक है, एक प्रोफाइल आपको आज चाहे तो आप सर्च कर सकते हैं naukri.com पे, एक प्रोफाइल आपको इसकी सबसे ज्यादा मिलेगी। एक प्रोफाइल मिलेगी रैपिड बीआईएम मॉड्यूलर की। ठीक है, आप सर्च करो, उनको या तो स्ट्रक्चरल मॉड्यूलर चाहिए या फिर आर्किटेक्चरल मॉड्यूलर चाहिए या फिर इलेक्ट्रिकल मॉड्यूलर, बट मॉड्यूलर की पोजीशन भर भर के है मार्केट में इस समय कोविड के टाइम पे, बाकी टाइम पे तो बहुत है। रीजन क्या है? आप किसी भी कंट्री का काम इस पे कर सकते हो, जरूरी नहीं कि इंडिया का। अब एक कंपनी है, आप सर्च करना वी कंस्ट्रक्ट करके, मगर पटना में पुणे में, उसका स्टार्टिंग पैकेज 4.6 है। मेरे कई स्टूडेंट उसमें इंटरव्यू दे चुके हैं और कई काम भी करते हैं। 4.6 है, वो क्या करता है, यूएस से प्रोजेक्ट लेता है, रेवेन्यू पे काम करता है, एज ए बीआईएम मॉड्यूलर हायर करता है 4.6 के पैकेज पे। बीआईएम मैनेजर, जिसको इन तीनों का नॉलेज है जैसा कि मैं देने वाला हूँ, तो उसको बीआईएम मैनेजर बनना आसान हो जाता है। 1 साल 2 साल का एक्सपीरियंस लगता है। ये पोजिशन अगर आ गया तो अभी पैकेज दिखाऊंगा, आप कहोगे अरे वाह क्या पैकेज है, आपका ड्रीम वाला पैकेज इसमें मिल सकता है। बीआईएम डिजाइनर, कैसे चीजों को इम्प्लीमेंट करना है वो सारी चीजें इसके अंदर, बहुत सी जगहों पे इसकी प्रोफाइल निकलेगी आपको बीआईएम डिजाइनर की। बीआईएम कोऑर्डिनेटर, जो एक दूसरे से मैसेज कन्वे कर सके, स्ट्रक्चर आर्किटेक्चर एमईपी तीनों पर उसकी अच्छी पकड़ हो, नेविसोर पर अच्छी पकड़ हो, वो बीआईएम कोऑर्डिनेटर की जॉब पर जा सकता है। ये सब जॉब प्रोफाइल्स हैं। ठीक है, इसके अलावा रैपिड या बीआईएम मॉड्यूलर, इसमें कभी कभी ऐसा देखा कि स्केचअप, मैंने मेंशन नहीं किया, स्केचअप के मॉड्यूलर की बात करते हैं वो लोग, क्योंकि स्केचअप सस्ता सॉफ्टवेयर है, छोटी कंपनियां स्केचअप यूज करती हैं, तो बोलती हैं इफ यू हैव अ स्केचअप नॉलेज तो प्रीफर करती हैं आपको। स्ट्रक्चरल बीआई मॉड्यूलर, जो कि कंक्रीट और स्टील की मॉडलिंग कर सके, ठीक है, जो कि रेविट स्ट्रक्चर से करते हैं। इतनी जॉब प्रोफाइल मेन मेन है, बाकी और भी है, इंटीरियर डिजाइनर की और बहुत ढेर सारी है, बट जो मेन प्रोफाइल थी वो ये है। अब करियर ऑप्शन फॉर बीआईएम फॉर सिविल इंजीनियर एंड आर्किटेक्ट, इसमें सिविल इंजीनियर और आर्किटेक्ट दोनों काम कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या क्या हो सकता है। करंट बीआईएम सॉफ्टवेयर इज यूज्ड बाय इंडिविजुअल बिजनेस एंड गवर्नमेंट एजेंसीज हु प्लान, डिजाइन, कंस्ट्रक्ट, ऑपरेट एंड मेंटेन डाइवर्स फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर सच एज वाटर, रिफ्यूज, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, कम्युनिकेशन, यूटिलिटीज। सबके लिए क्या लग रहा है? बीआईएम का सॉफ्टवेयर लग रहा है। बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग, इट डिस्क्राइब्स द प्रोसेस ऑफ डिजाइन द बिल्डिंग, कोलैबोरेटिंग यूजिंग वन इनफील्ड यूजिंग कंप्यूटर मॉडल्स रेदर देन द सेपरेट सेट्स ऑफ ड्राइंग्स। अलग अलग ऑटोकैड वाले को अलग कॉल करो और 3ds Max वाले को अलग कॉल करो, बेटर है कि फाइल में सारा काम हो जाए। तो कौन कर सकता है? बीआईएम कर सकता है, इसलिए इस पे ओपनिंग ज्यादा निकल रही है। तो ये रीजंस है। और अभी क्या हो रहा है, मैक्सिमम जगहों पे कंस्ट्रक्शन जो भी इंडस्ट्रीज है ये एडॉप्ट हो रहा है, मतलब ज्यादा से ज्यादा लोग बीआईएम पे इम्प्लीमेंट करते हैं। बाकी हिस्ट्री आप पढ़ लेना इसमें क्यों, अभी मैंने समझा दिया, वैसे थ्योरी नहीं समझाया आपको, पता है कॉस्ट और टाइम एरर पता चल जाता है, अल्टरनेशन, रीवर्क, फिर से काम करने की तो जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई लॉस तो नहीं होगा, वो सारा चीज इसके अंदर है। चलिए अब दिखाता हूँ आपको जिसके लिए आप काम करते हो। ठीक, आप मतलब हर इंजीनियर काम करता है आपने। तो देखो जो इसमें आपको एवरेज जो पैकेज है सर्वे के अकॉर्डिंग, इंडिया का जो सर्वे है उसके अकॉर्डिंग, बाहर का नहीं बात कर रहा हूँ, आपको 1 ईयर तक में अप्रोक्स 2.48 तक का पैकेज मिल जाता है। ठीक है, 1 ईयर, अप टू 1 ईयर या फिर स्टार्टिंग से ही 2.48 तक का पैकेज आपको अप्रॉक्स मिल जाएगा। अब अगर आप कंटिन्यूअसली नॉलेज ऐड कर रहे हैं चीजों को लेके, तो आप 3.59 के तक का सैलरी पा सकते हैं 1 से 4 साल के अंदर। हो सकता है दूसरे साल भी पा जाए, नॉलेज पर है, हो सकता है तीसरे साल पा जाए, और 5 से 6 साल के अंदर आप जा सकते हो 5.9 के पैकेज पे। अभी मैं माइक ओपन करने का सबको टाइम दूंगा, डोंट वरी, थोड़ा सा वेट कर लो, खत्म होने वाला है। 5.9 मतलब लगभग 6 लाख रुपए तक का पैकेज आप जा सकते हो इजिली। ये मिनिमम पैकेज मैंने निकाला है इस प्रोफाइल पे 5 से 9 साल के अंदर। अब टैलेंट है तो 5 साल में पा जाओगे, कम टैलेंट है 9 साल तक चला जाओगे, 10 साल तक में आप आराम से 9 लाख के पैकेज पे जा सकते हो अप्रॉक्स। ठीक है, इसके साथ बहुत, ये बेसिक सैलरी है, इसके अलावा एचआर वगैरह सब कुछ जुड़ता है, होम रेंट वगैरह, तो अप्रॉक्स 9 लाख तक आप जा सकते हो। और अगर आपके पास अच्छा एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ तक जा सकते हो, जो आपका ड्रीम होगा जहां तक है। इसके साथ आप, जैसे मैंने बोला कि लोकेशन के अकॉर्डिंग सैलरी कहाँ कहाँ ज्यादा मिलती है, ठीक है, तो पे डिफरेंस बाय लोकेशन, मुंबई में सबसे ज्यादा आपको पे मिल जाएगा,
हैदराबाद में अच्छा पैकेज मिलेगा, दिल्ली में अच्छा मिलेगा, चेन्नई में अच्छा मिलेगा, पुणे में थोड़ा कम मिलेगा, है थोड़ा कम। रीजन क्या है, कंपनी ज्यादा है, ठीक है। बेंगलोर में कंपनी बहुत ज्यादा हो गई है, थोड़ा सैलरी कम कर दिया है। अहमदाबाद में बहुत कंपनी आ गई, तो यहाँ पे भी थोड़ी सैलरी कम हो गई है। तो गुजरात में थोड़ा सा लेस है, कि गुजरात में बहुत से लोग अभी जाके इन्वेस्ट कर चुके हैं ना, तो ये आपका पे डिफरेंस है इंडिया में सेम पैकेज के लिए। सिविल इंजीनियर एंट्री लेवल जो उसकी हो जाएगी, यहाँ से स्टार्ट होती है और एग्जिट यहाँ तक में आप आराम से खेल सकते हो। मैकेनिकल वाले यहाँ तक खेल सकते हैं, डिजाइन इंजीनियर इस अमाउंट में खेल सकते हैं, आर्किटेक्ट इस सॉरी डिजाइन आर्किटेक्ट इसमें, सबके जो प्रोफाइल्स हैं, कहाँ तक सैलरी उनकी जा सकती है, वो आपका यहाँ पर है, ठीक है। तो ये सर्वे के अकॉर्डिंग है, तो ये लगभग 2,992 लोगों ने सर्वे किया, तो उसके अकॉर्डिंग ये रिजल्ट आया कि अप्रोक्स इतनी सैलरी आपको इंडिया में मिल रही है। बैटरी लो हो रही है, चले जाओ, कोई बात नहीं, अभी यूट्यूब पर डाल दूंगा वीडियो, क्योंकि आप लोग थे इसलिए डालूंगा, मुझे अच्छा लगा बहुत। अब जो अपना कोर्स है, ये कोर्स जो है ये 4 मंथ्स का है, मंडे टू फ्राइडे क्लासेस चलेंगे और 7:30 to 9 इवनिंग में चलेगा, जैसा आपको पता है। इसका फी है 50,000, बट अभी सबको पता है कि कोविड की वजह से सबका हाल क्या हो चुका है। सो मैंने लास्ट बैच में और इस बैच में भी मैंने केवल 12K, मतलब 12,000 केवल फी रखा हुआ है, जो कि आप गूगल पे फोन पे के थ्रू कर सकते हो। और उसके बाद यहाँ पर आपका जो सॉफ्टवेयर, मेन सॉफ्टवेयर फोकस है, वो रेविट आर्किटेक्चर, रेविट स्ट्रक्चर, रेविट एमईपी, नेविस वर्क और गूगल स्केचअप। इसके अलावा जो कॉन्सेप्ट बताया, वो कॉन्सेप्ट तो रहेगा ही रहेगा। चलिए, सपोर्ट के लिए मैं 2 ईयर्स के लिए हर एक लेक्चर का रिकॉर्डिंग शेयर कर देता हूँ वेबसाइट पर, unixsivil.com पे। तो आप क्लास में पढ़े, कोई चीज समझ में नहीं आया, 2 बार 4 बार उसको रिविजन कर सकते हो जाके वेबसाइट पर देख के उसको, ठीक है। इसके अलावा 4 मंथ्स का सर्टिफिकेशन, सॉरी 4 मंथ्स का इंटर्नशिप सर्टिफिकेशन मैं देता हूँ। तो उससे क्या होता है कि आप जॉब के लिए जब जाते हो, तुमको लगता है अच्छा 4 महीने में इसने कुछ सीखा होगा अच्छे तरीके से, ठीक है। तो ये अच्छे तरीके से सीखा होगा 4 महीने के अंदर, तो उस चीज को यहाँ पर आपको फायदा मिल जाता है। ओके, एग्जैक्टली इस तरीके से होगा। डेली क्या बोलते हैं, कोई बात नहीं पुनीत, डेली क्या बोलते हैं, मैं 7:30 से 11 o'clock तक, क्या बोलते हैं, सॉरी 10:30 से 11 o'clock तक डेली क्वेश्चन आंसर सेशन रखता हूँ। नॉट ओनली फॉर यू, इज फॉर एवरीवन, कोई भी आए। रात में मैं 10:30 से 11 फ्री होता हूँ, इस टाइम पर मैं सेशन रखता हूँ, ठीक है जी। और इसके बाद यहाँ पर फॉर एनी क्वेरीज, तो आप मुझे इस पे व्हाट्सएप कर सकते हो, जैसे मुझे टाइम मिलता है मैं कॉल बैक कर लेता हूँ या फिर आपको रिप्लाई कर देता हूँ। तो ये अपनी कुछ फैसिलिटीज थी। थैंक यू सो मच गाइज फॉर ज्वाइनिंग अस, बहुत बहुत शुक्रिया। और यहाँ पर इन्होंने बोला है कि सर एक प्रोजेक्ट का कुछ ऐसा टाइम बता, टाइम 7:30 to 9 है इवनिंग में, मंडे टू फ्राइडे, ठीक है जी। प्रोजेक्ट यार एक्चुअली बस एक इशू हो गया कि प्रोजेक्ट यहाँ पर सारे प्रोजेक्ट मैंने रखे हुए हैं, बट एमईपी के सारे प्रोजेक्ट्स हैं, बट इशू ये है प्रोजेक्ट में, सैंपल प्रोजेक्ट में, ये सारे 2021 में बने हुए हैं, मतलब 2020 में बने हुए हैं, और मेरे पास जो सॉफ्टवेयर है वो सॉफ्टवेयर 2018 है, तो ये खुल नहीं सकते। ये सारे प्रोजेक्ट्स हैं आपके, जो आपको प्रोजेक्ट मिलने वाले हैं, ये हाइड्रोलिक प्रोजेक्ट्स हैं सब मेरे, एचयू चिलर क्या होता है सब बताऊंगा आगे। इसके अलावा यहाँ से स्टार्ट होगा आपका ट्रेनिंग, तो आप ट्रेनिंग, एक वीडियो दिखाता हूँ, जस्ट 2 मिनट रुके रहो, एक वीडियो दिखाता हूँ, तो आपको समझ आवाज नहीं जाएगी बट मजा बहुत आएगा। यहाँ से हमारी ट्रेनिंग स्टार्ट होती है, जहां से ध्यान से देखिएगा ये वीडियो, मजा आएगा आपको। इसके बाद क्वेश्चन आंसर,
का लिंक मैं आपको दे दूंगा। मैंने इसलिए बढ़ा दिया क्योंकि इसकी आवाज तो आपको मजा नहीं आ रहा होगा। तो ये बड़ा खतरनाक वीडियो है, मतलब बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है। क्योंकि इसमें क्या होता है कि जब मैं चलाऊंगा वीडियो तो आपको नहीं सुनाई दे रहा होगा आवाज, इसलिए मैं जो अभी वीडियो अपलोड होगा अपना उसी में नीचे लिंक दे दूंगा इस वीडियो का, चाहे तो डाउनलोड कर लीजिएगा या फिर इंटरनेट का ही आई थिंक है, तो वहां से आप निकाल लेना। ठीक है, चलिए अब आपका टाइम है, मेरा टाइम ओवर, अब आपका टाइम है। एक एक करके आप चाहे बाई मैसेज, आप चाहे तो, या फिर क्या बोलते हैं, क्या बोल आप अपने से ही क्वेश्चन पूछ सकते हो। ठीक है, हाँ जी, मैं पीपीटी सबको शेयर कर दूंगा। हाँ जी, यस राहुल, यू कैन आंसर क्वेश्चन। राहुल आपने माइक ऑन किया है, क्वेश्चन पूछ रहे हैं आप। हाँ सर, इज देर हाँ एनी जी, स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर फॉर द गेम? या दैट इज देयर, दैट इज रेविट आर्किटेक्चर, रेविट स्ट्रक्चर, रेविट एमईपी। आई जस्ट टेल यू दैट दिस इज द मॉडल। या जस्ट अ मिनट, या दिस वन, यू कैन जस्ट सी दिस पीपीटी, रेविट आर्किटेक्चर, रेविट स्ट्रक्चर, रेविट एमईपी, नेविस वर्क एंड गूगल स्केचर, दीज आर दी सॉफ्टवेयर, मेनली सॉफ्टवेयर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन राहुल। आशीष, ओके, यू कैन आंसर द क्वेश्चन, जो भी जिसको भी पूछना बोल सकता है। बाकी जिसको समझ में आ गया, आपको जाना हो तो जा सकते हो, क्योंकि अब आपका टर्न है, आपकी जो मर्जी कर सर, सकते हो, क्लास का सकते टाइमिंग क्या हो। है? क्लास का टाइमिंग 7:30 से 9 है ब्रदर, 9, 7:30 से 9 इवनिंग 7:30 से 9 है। ठीक में। या यस, है सर, सॉफ्टवेयर का कौन सा सॉफ्टवेयर यूज होगा? सब सॉफ्टवेयर में आपको ग्रुप में बताऊंगा, वहां पे ये सारे सॉफ्टवेयर हैं, रेविट आर्किटेक्चर, रेविट स्ट्रक्चर, रेविट एमईपी, सब दूंगा सॉफ्टवेयर में दूंगा आपको, वो ठीक है सारा कुछ सर। दिया जाएगा। हाँ जी, और किसी का कोई क्वेश्चन है क्या? सर आप हाँ जी, ऑफलाइन यस। प्रोवाइड करते क्या सर? हेलो नहीं सर। ब्रदर, मैं नहीं ब्रदर, ऑफलाइन है, हमारा सब कुछ ऑनलाइन है, और ऑनलाइन में आपको ज्यादा बेनिफिट मिलता है क्योंकि यहाँ पर आपको रिकॉर्डिंग मिल जाती है चीजों की, तो कुछ नहीं समझ में आया तो आप 2 बार 3 बार वॉच कर सकते हो। हाँ जी, रिकॉर्डिंग लाइफ टाइम के लिए नहीं है क्या? दो साल पर्याप्त होता है ब्रदर, मतलब स्टूडेंट के लिए है ना, अगर 2 साल से ज्यादा हो तो लोग बिजनेस करने लगेंगे ना। ठीक है, 2 साल में तो आप सीख जाओगे, और किसी को 2 साल में नहीं समझ आया तो उसको फिर से दे दूंगा 2 साल के लिए, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट स्टूडेंट को मैं चाहता हूँ, कॉमर्शियल लोग ना ऐड हो ना, इसलिए 2 साल ही देता हूँ, नहीं तो लोग दूसरे तरीके से उसको लेने लगते हैं, वो आप थोड़ा सा अलग चीज है। हाँ जी, सर आप ओके, BAM में प्रोजेक्ट भी देंगे क्या हमें हाँ जी, ये करने के सारे लिए? प्रोजेक्ट, यस यस, ये सारे मेरे प्रोजेक्ट्स हैं, ये आप जो देख रहे हो सारे मेरे प्रोजेक्ट्स हैं, लाइव प्रोजेक्ट्स हैं मेरा, ये सारे प्रोजेक्ट्स मैं आपको दूंगा, और ये सारे प्रैक्टिकल जितने टेस्ट भी, उसके लिए मैं टेस्ट प्रोवाइड करता हूँ, ये सारा कुछ इसके अंदर इंक्लूड है। ठीक है सर। ओके ओके, यहाँ पर एक क्वेश्चन नतीन ने पूछा हुआ है कि एलओडी 100, सॉरी 100 to 500 के बारे में आप बता देना सर थोड़ा, वैसे मैंने बता दिया है नदीन, शायद आप लेट आए हो। और दूसरी चीज ये कि ये पूरा कंबाइंड कोर्स इसमें है सब कुछ, एलओडी 100 से एलओडी 500 तक कंप्लीट कोर्स है ये। चलिए, और किसी कोई क्वेश्चन है? ओके, सर हेलो हाँ सीज बोलिए। सर, इसमें सिर्फ IS कोड रहेगा ना इंडियन का? यस यस, ऑफ कोर्स, इन इन इंडियन कोर्स से हम लोग जो भी हमारे स्टैंडर्ड साइजेस उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके तो आदि, ओके या ओके सर, पहले जैसा वीडियो डाउनलोड करने का नहीं, इसमें आशीष ऐसा किया है कि डायरेक्ट वेबसाइट पर डाल देंगे, और वेबसाइट पर आपका एक अकाउंट बनेगा, उस अकाउंट पे आप जैसे लॉग इन करोगे आप वहां को वॉच कर सकते हो। ठीक है, पूरा लेक्चर अपना वॉच कर सकते हो, क्योंकि कुछ लोग बीच में तो ज्यादा दिमाग लगाने लगे थे तो ऐसा करना पड़ा। यूनिक्स सिविल कोर्स इज बेटर, थैंक यू बिलाल, बिलाल मेरे ओल्ड स्टूडेंट है, आशीष भी मेरे ओल्ड स्टूडेंट है, ये सब मेरे बहुत अच्छे स्टूडेंट है। फिर आफ्टर फर्स्ट, ओके चलिए, थैंक यू सो मच गाइस, होप आपको अच्छा। हेलो हाँ सर, जी मेरा एक बोलिए, क्वेश्चन था। बिल्कुल आ जाइए, ये दो जो पूछिए। हम आपके पास कोर्स करेंगे, इसके बाद हमें सर्टिफिकेशन कोर्स का मिलेगा? मतलब कैसे मिलेगा क्या वो वेबसाइट पर आपका सॉफ्टवेयर? अपलोड है, वेबसाइट पर आपको अपलोड होगा, वेबसाइट पर आपको एक टेस्ट देना पड़ेगा जिसमें आपको 60% मार्क लाना पड़ेगा। ठीक है, जैसे आप लाएंगे 60%, आपको तुरंत वहां पर अपलोड करने का, डाउनलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा, आप डाउनलोड कर लीजिएगा वहां से। तो ये हेलो सर, जो मेरा भी क्वेश्चन सर्टिफिकेट था। सॉरी, ये मतलब एज अ ऑर्गेनाइजेशनल सर्टिफिकेट के तौर पे वैलिड होता है, ये यस कैसे होता यस, नहीं ऑर्गेनाइजेशन ब्रदर, मेरा यूनिक ग्रुप ऑफ द कंपनी का मैं फाउंडर और सीईओ हूँ। ठीक है, तो मेरी कंपनी है, है? उसके बेस पे आपको मिलता है। ठीक है, ये गवर्नमेंट अप्रूवल वाली ओके कंपनी तो है,
उसके बेस पे है। यस, तो क्योंकि मेरा कंस्ट्रक्शन अगर ऑफिस हम ही है, कहीं हम जॉब लोग चूज कंस्ट्रक्शन। करने हो जाए मतलब। जी, बिल्कुल ब्रदर, मेरी कंपनी, मेरी खुद की कंपनी है अभी, यूनिक ग्रुप ऑफ द कंपनी है। इसका अलग अलग सेक्टर्स में काम करते हैं हम लोग, एजुकेशन में भी है और बाकी हम लोग अलग अलग, जैसे मिल्क सेक्टर में भी हम लोग काम करते हैं। मेरा अलग अलग बिजनेस है, ड्राई फ्रूट्स का बिजनेस है हमारा, वो भी यूनिक ग्रुप ऑफ कंपनी के अंदर में आता है। अभी यूनिक पब्लिक स्कूल भी खुल रहा है, तो यूनिक ग्रुप ऑफ कंपनी कई कंटेंट पे काम करता है, अलग अलग चीजों पे। ठीक ओके ओके है, ओके जी। ठीक अभी है एक क्वेश्चन आया है, ओके ठीक है। राहुल सर। का सर ये क्वेश्चन सेलेक्ट देखते रेट हैं। है 2500 सर। हाँ जी प्लीज हेलो बोलिए ऋषभ। हाँ जी बोलिए प्लीज। सर, स्ट्रक्चर्स पे टेकला आप भी इधर मेजर भीम में कोर्स है। है। हाँ जी, टेकला भीम का सॉफ्टवेयर है, बट टेकला ऐड करने पर कोर्स बहुत हाई चला जाएगा, मतलब कि टाइमिंग बहुत ज्यादा हो जाएगा, लोग थक जाएंगे। ठीक है, इसलिए इसके बाद टेकला का कोर्स अलग से चलाऊंगा, और मैं चलाता रहता हूँ, टेकला की हमारी बैचेस चलती रहती है। तो टेकला भी सॉफ्टवेयर है, बट टेकला का जो काम है वो रेवी स्ट्रक्चर के अंदर हो जाता है। तो मैं चाहता हूँ कि अभी लोगों के पास पैसे कम है, तो लोगों की जॉब लगने के लिए रेवी स्ट्रक्चर से काम हो जा रहा है। जिसको बड़े लेवल पे जाना रहेगा वो टेकला अलग से सीख लेगा, इसलिए मैंने उतना ही किया कि जिससे आप एफोर्ड कर सको चीजों को। ठीक है जी, क्योंकि टेकला जो सर होता है ना, चार दो महीने महीने, दो का। महीने होता है। जी, 4 महीने। हेलो हाँ सर। जी, 4 महीने का कोर्स है। हाँ सर मतलब हम एक दो महीने में कंप्लीट कर सकते हैं क्या सर? हम मतलब नहीं, 1-2 महीने में आप पांच कंप्लीट, डेली अगर आपको पांच करना पांच है। घंटे। नहीं हाँ सर। एक्चुअली मेरे पास टाइम नहीं है ना डेली 5 घंटे का, तो मैं 1.5 घंटे ही दे हाँ पाता हूँ। तो लेकिन आपको अगर जल्दी करना है तो मेरा जो ओल्ड बैच है उसकी रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, उसको आप ले सकते हो। मतलब ये बैच करते रहो, ओल्ड बैच का आपको हाँ रिकॉर्डिंग, बट उसका कुछ एक्स्ट्रा चार्ज रहेगा, अभी क्या रहेगा मुझे नहीं पता है, बता दूंगा जो भी रहेगा, करके तुम ले सकते हो अगर तुमको जल्दी है तो, अदरवाइज 4 मंथ कर ठीक है सकते हो ठीक। आप। ठीक है, राहुल ओके बोल रहे सर हैं सर। ये ओके है। ओके सर यस। हाँ जी हेलो मिर्जा आकाश बोलिए। सर। हाँ जी, हाँ जी मिर्जा सर बोलिए आप प्लीज। आप कुछ इंस्टॉलमेंट्स पे कर सकेंगे सर या पूरा हाँ जी ओवरऑल कर अमाउंट? सकते हो, कर सकते हो इंस्टॉलमेंट कर सकते हो, सबके पास इशू है, आई कैन अंडरस्टैंड। मेरे खुद के पास इशू है तो आपके पास कैसे नहीं होगा। आप 3 EMI में कर लो, 3 EMI में कर लो मैक्सिमम। ठीक है, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर लो, मैं आपको व्हाट्सएप पे बता देता हूँ कैसे करना है। चलिए ओके सर। ओके ओके। जयराज बोल रहे हैं कि सर स्टैटो और रिटेप की BIM की जरूरत नहीं है। नहीं, अगर आपने स्टैटो और रिटेप किया तो आप उस इंडस्ट्री में काम करो, परमार कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको अपना ऑफिस खोलना होगा तब इसको सीखना, अदरवाइज आपके जॉब के लिए पर्याप्त है वो कोर्स, पैसे मत स्पेंड करो इसमें। राहुल बोल रहे हैं सर आप 4 मंथ्स की इंटर्नशिप सर्टिफिकेट दे रहे हो तो, लेकिन उसके साथ सॉफ्टवेयर जो लिखा है उसमें सर्टिफिकेट भी देंगे। हाँ जी, सॉफ्टवेयर का भी नाम उसके अंदर राहुल हम मेंशन करेंगे, इस इंटर्नशिप के बीच में इन्होंने जो मेन सॉफ्टवेयर उस पे किस पे काम किया उसका नाम लिखेंगे उसके अंदर। ऑनलाइन कोर्स इज गुड, ऑफलाइन यस, ऑनलाइन कोर्स सच में अच्छा है मुझे लगता है। विपिन, और कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप? क्वेश्चन पूछ सकते हैं क्योंकि आपके लिए मैं बैठा हूँ, आई एम वेटिंग। हेलो सर, हाँ जी, हाँ जी, ये सबका आकाश सर्टिफिकेट मिलेगा क्या बोल रहे हैं? क्या? ये एक सबका सर्टिफिकेट रहेगा? इंडिविजुअल? नहीं, एक सर्टिफिकेट रहेगा जो कि इंटर्नशिप का रहेगा, उसके अंदर सबका नाम लिखा रहेगा, जो जो सॉफ्टवेयर आप सीखोगे एक सॉफ्टवेयर के अंदर सारा सर्टिफिकेशन रहेगा। अलग अलग भी चाहिए तो मिल जाएगा, वो कोई बड़ी बात नहीं है, बट अच्छा रहता है कि एक में सीखो तो कंपनी को भी लगता है कि आपने 4 महीने डेडिकेशन के साथ कुछ सीखा हुआ है। आपके बेनिफिट के लिए एक करता हूँ, अदरवाइज सबको तो सॉफ्ट कॉपी है, सॉफ्ट कॉपी मेरा कौन सा खर्चा है, मुझे तो सिर्फ लिखना है, समझ रहे हो उस चीज को। तो इम्पोर्टेंट है कि हाँ कंपनी ठीक को क्या लगना चाहिए उसके लिए करता हूँ मैं। ठीक है है। ओके। रेवा के बारे में जी पूछिए, और किसी को क्वेश्चन है? सर इंटीरियर्स पे हटके उसके हटके स्ट्रक्चर्स पे इसमें रेविट स्ट्रक्चर रहेगा? हाँ जी, हाँ जी, रवि स्ट्रक्चर अभी आर्किटेक्चर दोनों रहेगा मिर्जा, और मैं इंटीरियर भी करवाता हूँ जी क्योंकि मैं चाहता हूँ कि किसका क्या इंटरेस्ट है कुछ पता नहीं है ना, तो हर चीज का आपको नॉलेज रहे तो ज्यादा बेटर रहता है। तो मैं इंटीरियर भी करवाता हूँ, एक्सटीरियर भी करवाता हूँ, इसीलिए तो 4 महीने लगते हैं ना सर, इसमें। हाँ जी बोलिए 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 बोलिए। इसमें स्ट्रक्चर के लिए एक रहेगा ना सर, बाकी के इंटीरियर सॉफ्टवेयर रहेंगे ना? रेविट आर्किटेक्चर, MEP, नेविसवर्क एंड गूगल स्केचर। यस यस यस, नेविस वर्क वहां करें, स्ट्रक्चर के लिए रेवी स्ट्रक्चर रहेगा। ओके सर। ओके ओके, और किसी कोई क्वेश्चन पूछ सकता है रेरा के बारे में? विपिन, मैंने हेलो ऑलरेडी यूट्यूब हेलो पे वीडियो डाला है, आप डाल दीजिए। हाँ जी प्लीज बोलिए पुनीत। हेलो आकाश सर। हाँ जी पुनीत बोलो ना। सर क्लासेस सर इवनिंग में ही रहेंगी मतलब 4 मंथ्स तक? अभी तो कोशिश यही है ब्रदर की इवनिंग में ही रहे, मतलब कि एटलीस्ट, क्योंकि अभी एक बैच मेरी ऑलरेडी चल रही है, इसके बाद एज पर सर्वे अगर अच्छा किसी अच्छा को प्रॉब्लम प्रॉब्लम नहीं होगी तो
मॉर्निंग 7:30 to 9 कर सकते हैं, बट इस डिपेंड कि 90% लोगों को प्रॉब्लम ना हो तब। अच्छा, ठीक ओके सर, कोई, हाँ ठीक, ओके, नो प्रॉब्लम। ओके जी। हेलो सर, आई एम ट्राइंग टू इंजीनियरिंग पोस्ट, आई एम गेटिंग नो। हेलो, कंफर्टेबल? हाँ जी, हाँ जी, प्लीज यार बोलिए, प्लीज जिंदल। जी सर, यस, ये पूछना है कि सर आप किस टाइप सॉरी फिर से बोला जिंदल थोड़ा सा। सर किस टाइप के प्रोजेक्ट्स पे आप हमें ट्रेनिंग कराएंगे? ये मैक्सिमम प्रोजेक्ट जो रहेंगे रेसिडेंशियल रहेंगे, कॉमर्शियल रहेंगे, अपार्टमेंट्स, अपार्टमेंट्स रहेंगे, रेसिडेंशियल, कॉमर्शियल और अपार्टमेंट्स। सर अगर कोई प्रोजेक्ट काम किया हुआ है आपने तो आप दिखा सकते हैं कोई प्रोजेक्ट? बहुत से हैं ब्रदर, बट इस लैपटॉप में आई डोंट थिंक होंगे ज्यादा। एक्चुअली मेरे साथ एक इशू हो गया कि मैं इसमें ना, मेरे पास रेविट 2020 है और मेरे पास रेविट 18 है। ठीक है, आपको क्या बोलते हैं, मेरे कई काम तो यूट्यूब पे भी मिल जाएंगे, बड़े ढेर सारे, ये सारे मेरे प्रोजेक्ट्स ही हैं सभी, लेकिन ये खुलेंगे नहीं। रीजन ये है कि मैंने रेविट पे रखे हुए मतलब, और क्या बोलते हैं, प्रोजेक्ट हमने बहुत ढेर सारे किए, इतने प्रोजेक्ट की आप व्हाट्सएप करो मुझे, व्हाट्सएप में आपको भेज देता हूँ ढेर सारे अपने प्रोजेक्ट्स। मेरा व्हाट्सएप नंबर इसमें इंप्लीमेंट है, यहाँ पर आप मेरे प्रोजेक्ट देख सकते हो, वहां से वो इजी रहेगा ओके मेरे सर, लिए। एक बात और पूछनी थी जी सर, आपने पहले की दो कंपनीज बताई, सर कौन सी कंपनीज थी वो? देखिए ब्रदर, वैसे तो मुझे हर एक कंपनी का पता है कि पुणे और मुंबई में जितनी कंपनियां सब मुझे जानती है, सबको मैं जानता हूँ, क्योंकि अपना यूनिक जॉब करके भी कंसल्टेंसी है, छोटी सी फ्री ऑफ कॉस्ट काम करती है, बट क्या बोलते हैं, उसके थ्रू हमारा कॉन्टेक्ट अच्छा है लोगों के बीच में। तो अभी जो कंपनी है वो, हम जो मैंने कंपनी बताया, सेंडियो बताया, प्रीसियम प्रीकॉस्ट बताया, और एक बताया होगा मैंने आपको कंपनी स्टू इंजीनियर्स करके बनाया होगा, और कंपनी है स्लैब इंजीनियर्स करके एक कंपनी है, और जिसमें आप कर सकते हो साइक करके मुंबई में कंपनी है, उसमें आप कर सकते हो, बड़ी ढेर सारी कंपनियां हैं जिसके बारे में मुझे अच्छे से पता है। ठीक है, तो ये सारी कंपनियां जी। ओके हेलो आकाश सर, हाँ जी, हाँ जी बोलिए। सर एक क्वेश्चन है सर। जैसे हम रेविट सीख लेते हैं सर, तो फिर जैसे हाँ स्केचअप हो गया, ऑटोकैड हो गया, इसका जरूरत होता है कि नहीं होता है सीखने के लिए? कुछ खास नहीं होता है, कुछ खास नहीं होता है, मतलब अगर आपने सीखा है तो कोई जरूरत मतलब नहीं। प्लानिंग कर लेते हैं एक अच्छा से, जी मिनट बस, प्लानिंग हो एक सकता है मिनट, सर। बाकी जी जिसका डाउट अगर छूट जाए तो प्लीज मुझे व्हाट्सएप कर लेना, बुरा मत मानना, अगर किसी को क्वेश्चन मैंने नहीं लिया होगा तो मुझे व्हाट्सएप कर लेना, मेरा ये व्हाट्सएप नंबर सबको पता ही है, तो मैं थोड़ा थोड़ा करके शाम तक मैं दे दूंगा रिप्लाई सबको। ठीक है, तो अगर किसी का क्वेश्चन छूट गया तो टेंशन मत लेना कि सर ने नहीं लिया मेरा क्वेश्चन, क्योंकि बहुत ढेर सारे हैं इसलिए छूट सकता है। ठीक है, हाँ जी बोलिए, अब बोलो बस। सर ऑटोकैड जैसे प्लानिंग होता है उस टाइप का प्लानिंग हो जाएगा सर रेविट में? हाँ जी, हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, रेविट में तो पूरी प्लानिंग होती है जैसे ऑटोकैड के अंदर होती है। ठीक है, जैसे रेविट के अंदर होता है वैसे ही उसके अंदर भी प्लानिंग होती है, मतलब रेविट और ऑटोकैड दोनों में प्लानिंग आप कर सकते हो। ओके, सर हाँ जी, हाँ जी निखिल बोलो। हाँ जी सर, अभी आपने जो बोला है ये पूरा कोर्स ड्यूरेशन करेक्ट 4 मंथ का करेक्ट करेक्ट जी, निखिल, अभी इसके वीडियो भी आप अपलोड कर सकते हैं ना? मतलब पिछली बार जी मैंने जी टेक्ला जी के पूरे दिए थे, हाँ करेक्ट करेक्ट। इस उस आप अपनी क्योंकि वेबसाइट बन उसमें गई है, मैं आप अटेंड वेबसाइट बन नहीं। गई, हाँ जी आप वेबसाइट बन अच्छा, गई है, तो आप सब कुछ हाँ हाँ आपको, आप ना अगर टेक्ला के लिया है तो आप टेक्ला के वेबसाइट पर अलग से ले लो, तेरा फोटो नहीं हुआ है ना? फोटो मुझे व्हाट्सएप कर देना नहीं हुआ है, आप। हाँ जी, उधर हो गया ना? अरे क्या हो गया, मतलब घर की बात कर रहे हैं क्या बंसी? ठीक है चलो, तो आप निखिल मुझे ना व्हाट्सएप कर देना, मैं आपको एक्सेस दे देता हूँ, आप वेबसाइट पर एक्सेस कर लो, अपनी वेबसाइट आ चुकी है, पहले वेबसाइट वेबसाइट नहीं था ना, हम लोग ऐसे ही स्टार्ट करते थे, तो अभी सब कुछ प्रोफेशनल हो गया, थोड़ा सा मतलब अरेंजमेंट हो गया है सर। इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट जैसे वेयर हाउस के लिए कोर्स हेल्पफुल है, हाँ जी वेयर हाउस भी इसके अंदर मनी इसमें करवाने वाला, रेवी स्ट्रक्चर के अंदर वेयर हाउस बनाएंगे, राफ्टर, ट्रस, विलेज फुटिंग, पाइल फुटिंग, कंबाइंड फुटिंग, वो सारी टाइप के सब कुछ हम लोग इसके अंदर देखने वाले हैं। लुमियन का अलग से कोर्स चलेगा मिर्जा, जल्दी ही आने वाला है, जैसे ही टाइम मिला स्टार्ट करूंगा 1 महीने के अंदर। स्टूडेंट अभिषेक थैंक यू, अभिषेक यहाँ फीडबैक अपना दे रहे हैं, जो इन्होंने मेरी लास्ट बैच में अभिषेक हैं ऑलरेडी, तो क्या बोलते हैं इनका, इनको अच्छा लगा, थैंक यू सो मच सबसे आपके इस वैल्यूएबल फीडबैक के लिए। ओके जी गाइस, और कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो, नहीं तो फिर मिलते हैं आपसे फिर हेलो बाद में। हाँ हेलो जी, हाँ जी बोलिए। सर, बस ये एक बार ही ना सर, आप सर्वे जरूर कर लेना, जब आपका मॉर्निंग वाला बैच खत्म हो जाएगा ना बीएम वाला,
बिल्कुल बारी, बिल्कुल मतलब बिल्कुल अगर सब सब एग्री हो, क्योंकि सर मॉर्निंग में अगर हम क्लास लेते हैं ना तो शेड्यूल अपना मतलब सही रहता है पूरे दिन का, करेक्ट तो करेक्ट। हाँ उसी सर उसी मॉर्निंग हिसाब से प्रिफर कर हमें। सर। अच्छा मॉर्निंग प्रिफर कर रहे हो आप लोग, हाँ चलेगा। जी अच्छा सर। वो हाँ सर। 15 यस सर। 15 ओके 15-20 दिन का कोर्स, 15 दिन का कोर्स बचा हुआ है वाली बैच का, वो करके फिर हम एक सर्वे ले लेंगे, और अगर सब लोग रेडी है तो मुझे क्या प्रॉब्लम, मेरे लिए भी अच्छा रहेगा, ठीक सुबह है फ्री हो ठीक। जाऊंगा मैं। ठीक है हाँ जी हाँ जी सर। चलेगा चलेगा। चलिए ओके। और किसी को कोई डाउट है? और सर स्टार्ट कब होगा सर कोर्स? कल से है, कल से, कल से 25 से, कल। हेलो सर। जी हाँ जी हाँ जी सुशांत बोलिए। हाँ हेलो सर, मैं सुशांत बोल रहा हूँ सर। आप, जी सुशांत, मैंने रवि स्ट्रक्चर का कोर्स किया है ना, वीडियो कोर्स, हाँ तो जी हाँ आप जी आपने किया ऑनलाइन है। लाइव करते हैं सर, वो दोनों सेम ही है क्या सर? बोलो तो उसमें कंटेंट तो सेम अलग होगा हाँ क्या जी, लेकिन या वो सेम केवल रहेगा? आपने, हाँ सेम रहेगा, सेम कंटेंट रहेगा, लेकिन ये थोड़ा बीआईएम का हाँ कंटेंट है ये, तो इसमें वो क्या रवि स्ट्रक्चर का कंटेंट, ओके ये ओके बीआईएम का कंटेंट। ठीक है, तो थोड़ा ये बीआईएम व्यू से जाएगा बस। ठीक है, बस इतना डिफरेंस रहेगा, ओके थोड़ी सी ओके डिफरेंस सर। रहेगा। शाम में रखेगा ओके कोर्स तो हाँ आशीष, यस आशीष, सर, रात का कोर्स तो ज्यादा बेटर रहता है। रात में कोर्स ज्यादा बेटर रहता है ऐसा? हाँ सर। ठीक है देखेंगे उस टाइम पे, जैसे सर्वे रहेगा उसके हिसाब से, अभी तो रात में ही है। ठीक है हाँ, ठीक है, क्योंकि आप समझते हैं साइट इंजीनियर जॉब कैसा होता है, तो समझ गया समझ रात गया, के। कोई बात नहीं। आप अपना फीडबैक आप दे देना, तो आपका सब डेफिनेटली सबका ओके रहेगा, तभी हम करेंगे, नहीं तो सेम टाइम से देखो, फिक्स टाइम तो यही है 7:30 से 9, बट अगर सब लोग तैयार नहीं है देखेंगे। ठीक है सर, वैसे मुझे आपके कुछ वर्किंग प्रोजेक्ट्स दिखाने थे, क्या आप वेबसाइट दिखाने कहेंगे, व्हाट्सएप पे या कुछ डॉक्यूमेंट्स फाइल सेंड करती हूँ? हाँ जी मैं फाइल आपको सेंड कर दूंगा, फाइल पूरी नहीं दे सकता हूँ क्योंकि कॉन्फिडेंशियल फाइल भी रहती है, तो क्या बोलते हैं सर्वे के, कॉन्फिडेंशियल फाइल रहती है, कुछ जो सिंपल फाइल से मैं आपको सेंड कर दूंगा मिर्जा। इस जो सर्वे इज बेस्ट, हाँ जी सर्वे, अच्छा ठीक है जी, चलो थैंक यू गाइस। अभी मैं इसको अपलोड कर दे रहा हूँ, जिसको भी कम समझ आया होगा थोड़ा बहुत, अगर मेरी तरफ से कुछ आपको नहीं समझा पाया मैं, तो इसको यूट्यूब पे एक बार देख लेना, तो दोबारा समझने पक्का आ जाएगा। तो वैसे कोशिश यही की सब समझा दूं। दोस्तों बड़ी बात यह है कि आप सब लोग इंतजार किए इतने देर तक, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आज के टाइम में लोगों का पेशेंस ही नहीं है, बाकी सब कुछ है। ठीक है चलिए, थैंक यू गाइस। ओके हाँ मैं, अच्छा विपिन का कोई क्वेश्चन है? विपिन हाँ ठीक है, मैं देख लेता हूँ भाई जिसका जो क्वेश्चन, आई विल कोऑर्डिनेट विद यू ऑन व्हाट्सएप। ठीक है कर सकते हैं आप, ठीक है विपिन का क्वेश्चन ले लेता हूँ। क्या क्वेश्चन है भाई? शेख का क्वेश्चन हो गया, मनीष का क्वेश्चन है कि सर इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट बता दिया इनका, विपिन का क्वेश्चन प्लीज इनिशियल कैसे शुरू करें? इनिशियल शुरू करने के लिए तो मैं कर रहा हूँ पूरा एकदम बेसिक से है विपिन, ये पूरा प्रोजेक्ट जो मैंने ऑटोकैड सॉरी रेविट जो है, रेविट एकदम बेसिक से स्टार्ट करूंगा। पहले दिन तो कुछ लोग को लगेगा अरे क्या चल रहा है, तुम्हें आता है, इस लेवल से स्टार्ट करने की कोशिश करूंगा, तो एकदम बेसिक से है, कोई भी खास नहीं है उसके, मतलब हाइप एकदम से अचानक से नहीं जाएंगे। बीआईएम कोर्स के बाद एंटरप्रेन्योरशिप कैसे इनिशिएटिव करेंगे जॉब के साथ, थोड़ा थोड़ा बताइए। हाँ जी यही बताने के लिए तो पूरा कोर्स है, इसमें कोर्स में पूरा बताऊंगा कैसे आर्किटेक्ट से आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो, कैसे अपने पंपलेट्स बनवा सकते हो, मैंने कैसे किया वो सारा कुछ इसी में बताऊंगा, और उसके बाद आया कंप्लीटेड। थैंक यू जी। और सर जी बोल रहे, मेरे मुझे अच्छा ये लगता है कि जो मेरे पुराने स्टूडेंट थे वो फीडबैक देते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्यों? इफ दे आर सेटिस्फाइड दैट मीन कि मैं कुछ अच्छा कर पा रहा हूँ। गुड मॉर्निंग टीम, वर्क कैसे करते हैं रेविट में आर्टेक? हाँ जी, इसका टीम वर्क के लिए क्या होता है कि इसको इसमें क्या करता है, सर्वर बनाना पड़ता है रेविट के अंदर, मैं बताऊंगा कैसे सर्वर बना के काम किया जाता है। ठीक है, रेडी का डाउट है सर, आई हैव स्मॉल डाउट्स ऑन सॉफ्टवेयर आइदर वी गेट फॉर सॉफ्टवेयर फॉर प्रैक्टिस कॉन्सेप्ट व्हाट टू टीच। तो मैं तो पूरी कोशिश यही है कि हम लोग कॉन्सेप्ट बेस पे टीचिंग करें, क्योंकि अगर रेविट के टूल पढ़ने होते तो फिर तो यूट्यूब पे ही पढ़ लेते, क्यों फालतू में पैसे स्पेंड करेंगे हम लोग। गुड मॉर्निंग टीम, ओके जी हो गया सुशांत, सबका क्वेश्चन मैंने आंसर लगभग कर दिया, थैंक यू, मजा आया। चलो जी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। ठीक है गाइस चलो बाय।